Krishna, 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 Hare, Hare, Hare,
Krishna. Om Ajnana Tivirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuri Brahmena Tasmay Shri Guruve Namana. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shila Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Ek bar haath khade karke Hare Krishna Mahamantra gayenge. Dekhna hai Baroda Vasi bhaktoon mein kitna dam hai. Boli Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. This is Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram कन्हैया लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील गुरुदेव की जय गुरु परंपरा की जय उपस्थित भक्तवृंद की जय हो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय जय श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूजनीय परम आराध्यतम प्रातः स्मरणीय श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शूत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत पूर्वाचार्य वृंद गुरु परंपरा एवं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णव भक्त आचार्य जी सबके चरण कमलों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। कृपया शांति का दान करें, प्रेम से बैठेंगे, श्रवण करेंगे। थोड़े ही समय में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा। हमेशा जब भी हम श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम स्वयं जो श्री कृष्ण ही हैं उनको प्रणाम करते हैं। आप ये महामंत्र मंत्र दोहराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टजायेषु अवत्येषु नित्यं भागवति सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टके। इस दूसरे श्लोक में कहा गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं जब नित्यम भागवत सेवया नित्य भागवत का सेवन करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो जीवन में जितने अभद्र हैं अमंगल हैं वो सब दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा तो अपार है, कोई पार नहीं पा सकते हैं। अनंत श्रीमद् भागवतम का महात्म्य आप श्रवण कर चुके हैं और महात्म्य भी अत्यंत बहुत ही विस्तार से है। एक महात्म्य है जिसमें भगवान स्वयं भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ही भगवान नारायण हैं चतुर्भुज रूप में,
ब्रह्मा जी को, अपने पुत्र ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुयाश्रचरया युक्तो मम संतोष कारणम। कि हे पुत्र, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, उनके नाभि कमल से पैदा हुए हैं। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जो महापुराण है, ये सर्वलोक विश्रुतम, सारे लोकों में, तीनों लोक में, सभी सारे ब्रह्मांडों में बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही विख्यात है, तीनों लोकों में, सभी लोकों में सर्वत्र विख्यात है। और इसका जो श्रवण बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित से मन लगाकर, ध्यान लगाकर, पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से जो श्रवण करते हैं, मम संतोष कारणम, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, मैं उन भक्तों से संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझे आनंद होता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ जब भक्त जन श्रीमद् भागवतम की कथा को बड़े ही श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तो आप सब लोगों के चरण कमलों में भी विनती है कि आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवतम को, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, ध्यान लगाकर, मन को एकाग्र करके कथा का श्रवण कीजिए, तो ही उसकी पूर्ण कथा। सभी सभी संत महात्मा जब भी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि सावधान होकर सुनिए, ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। तो ये भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। और भी अनेक श्लोक है महात्म्य में, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतिम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। भगवान कह रहे हैं जो मेरी कथा को नित्य श्रवण करते हैं, नित्य वाचन करते हैं, नित्य कथा सुनाते हैं, और जो नित्य श्रवण करते हैं, और जो मेरी कथा से प्रेम करते हैं, जिनको मेरी कथा में प्रेम है, रुचि है, आनंद है, जिनको सुनने की निरंतर इच्छा बनी रहती है, ऐसे भक्तों को मैं कभी भी नहीं त्यागता हूँ। ना हम त्यक्ष्यामि तम नरम, उस नर को, उस भक्त को, उस जीव को मैं कभी त्यागता नहीं हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ, हमेशा उसके संग रहता हूँ। ये भगवान की महिमा, ये भगवान की कृपा, भागवत जी की महिमा। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी भागवत कथा का जो नित्य वाचन, हमेशा नित्यम भागवत सेवया कहा गया, नित्य होना चाहिए, हमेशा ही श्रवण करने को यदि नित्य नहीं मिल सकता है तो घर में स्वयं पाठ कर सकते हैं, भागवत जी को अपने घर में धारण करें, स्वयं पाठ करें, एक श्लोक भी रोज पढ़ लिया, उसको मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, उस पर अपने जीवन में उसको उतार लिया, तो भगवत कृपा प्राप्त होने वाली है, भागवत जी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यत्र यत्र चतुर्वत्र श्रीमद् भागवतम भवे, गच्छामि तत्र तत्राहम् गो यथा सुतवत्सलः। भगवान कह रहे हैं जहां जहां मेरी कथा होती है, जहां जहां मेरी भागवत कथा होती है, वहां वहां मैं उस गाय की तरह चला जाता हूँ, सुतवत्सला, जो अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है, जिस गाय का अभी नन्हा सा बछड़ा है, छोटी सी बचिया है, अभी बहुत छोटी है, तो वो जब कहीं भी जाती है, वो बछिया, वो बछड़ा कहीं भी जाता है, तो गौ माता उसके पीछे पीछे जाती है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको संभालने के लिए, वो कहीं गिर न पड़े, उसको प्रेम करने के लिए, उसको अपने साथ रखने के लिए, उसको अपना दुग्ध पान कराने के लिए, ठीक उसके पीछे पीछे जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं भी ठीक उसी गाय की तरह अपनी कथा श्रोताओं के साथ साथ रहता हूँ, उनके पीछे पीछे रहता हूँ, जो मेरी भागवत कथा श्रवण करते हैं, प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, मैं भी उनके संग ही रहता हूँ, उनका उनके साथ ही रहता हूँ। हाँ, क्योंकि हम सब तो भगवान के बछड़े ही तो हैं,
हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के संतान हैं, भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जैसे कि गौ माता अपनी बच्चिया से करती है, अपने नन्हे से बछड़े से जैसे गौ माता प्यार करती है, चाटती है अपने जिह्वा से, हाँ दुग्ध पान कराती है, इस तरह बहुत प्रेम करती है। ऐसे भगवान भी उन भक्तों से विशेषकर जो भागवत श्रवण करने आए हैं, कथा कर सुनते हैं, कथा से प्रेम करते हैं और बड़ी श्रद्धा से कथा का श्रवण करते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों का परम सौभाग्य है आप भागवत हैं, आप सब स्वयं भागवत हैं, क्योंकि हर वर्ष आपको दो बार श्रीमद् भागवतम श्री श्री गुरुदेव जी के मुखारविंद से श्रवण करने को मिल रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़ौदा में साल में दो बार भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। तो आप सब हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और इस कथा का पूरा पूरा लाभ हम सबको मिलेगा यदि हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, प्रेम पूर्वक ध्यान से पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से समय पर आकर, जैसे गुरुजी ने बताया कि कथा प्रारंभ होने से गुरुजी के आने से पहले श्रोता आके बैठ जाने चाहिए और जब कथा समाप्त हो जाती है, पूर्णावती हो जाती है, आरती हो जाती है, तत्पश्चात प्रसाद पाके ही जाना चाहिए। ये हर कथावाचक हर समय हर कथा में कहते हैं, पर देखा ये जाता है कि कभी भी श्रोतागण पहले पूरे के पूरे नहीं आते, दो चार गिने चुने ही आते हैं, जबकि हर कथा में हमने देखा जहाँ भी कथा होती है वहाँ कहा जाता है, व्यासपीठ से कहा जाता है कि कथा प्रारंभ होने से पूर्व पहले ही आकर अपना आसन ग्रहण कर लेना चाहिए और कथा समाप्त के बाद ही आरती के बाद ही प्रसाद पाके जाना चाहिए, तब तो कथा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा, तभी कृपा मिलेगी। अब व्यासदेव जी ने 18 पुराणों की रचना की, 17 पुराणों से उन्हें संतोष नहीं हुआ, महाभारत से संतोष नहीं हुआ, उपनिषद लिखते संतोष नहीं हुआ, फिर भागवत लिखी, अपने गुरु श्री नारद जी के प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। अब भागवत का श्रवण करने का विशेष फल क्या होना चाहिए, उसका क्या फायदा होना चाहिए, हमको निरंतर भागवत कथा श्रवण करने को भगवान दे रहे हैं, भागवत जी कथा श्रवण कर रहे हैं, पर इनका इसका हमें लाभ क्या होना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाचनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भागवत जी की बात में अंत में लगभग अंत में ये श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य, इससे भागवत श्रवण करने से नाम संकीर्तन करने से, जब कथा होती है तो हम श्रवण भी करते हैं कथा और बीच बीच में कीर्तन भी करते हैं, तो संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन करने से कथा श्रवण करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के इस जन्म के भी सारे पाप कथा श्रवण करने से कीर्तन करने से संकीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो दुख समनः, भगवान को भागवत जी को प्रणाम करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान ऐसे भागवत को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा है, कथा श्रवण करने की महिमा है। अब हम लोगों के लिए व्यास जी एक छोटा सा एक ऐसा श्लोक दे रहे हैं जो हमारे जीवन में हमारे काम का है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। भागवत के सभी पुराणों के अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीरणम्। व्यास जी कह रहे हैं कि 18 पुराण उनका सार तत्व क्या है, उनका निचोड़ क्या है कि हमारे जीवन में ये पुराणों की कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में होना क्या चाहिए। हमारे जीवन में परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना ही बड़ा सबसे बड़ा पुण्य होगा, परोपकार
जिसे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। भगवान रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि दूसरों का उपकार करना, दूसरों का परोपकार करना, भला करना, दूसरों के सुख दुख में उनका सहयोग करना, जीव मात्र का, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, जीव मात्र का, पशु पक्षी पेड़ पौधे पूरे चराचर जगत में जितने भी जीव प्राणी हैं, उन सबका परोपकार, उनका उपकार करना, उनकी भलाई सोचना, उन सबका कल्याण ही अपने मन में विचार करना, कभी के भी किसी के विषय में बुराई नहीं, दुष्विचार नहीं, पाप विचार नहीं, किसी का नष्ट हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, ऐसी भावना ना हो। जीव मात्र, पेड़ पौधों पर भी हम दया करें, कीड़े मकोड़ों पर भी कृपा करें, दया करें, जानवर और पशु पक्षी को सब पर, तो ये परोपकार है। ऐसा परोपकार आना चाहिए हमारे जीवन में। और पापाय, पाप, पाप क्या है, जो है पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दर्द देना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों का अमंगल करना, दूसरों का बुरा सोचना, ये पीड़ा देना है। किसी को शरीर से पीड़ा नहीं दी जाती, मन से भी पीड़ा हो जाती, मन को किसी का मन को दुखा दिया, किसी का दुष्शब्द, पाप शब्द, बुरे शब्द, हाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिससे किसी का हृदय दुखित हो जाएगा, ये भी पाप है, ये भी पीड़ा देना है। तो किसी को शरीर से ही नहीं, मन से भी पीड़ा दी जाती है, तो न तो शरीर से किसी को पीड़ा देनी चाहिए, न मन से किसी को पीड़ा देनी चाहिए, सिर्फ सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव, यही कथा श्रवण करने का फल होगा। राज जी ने स्वयं कहा है कि कथा श्रवण करने का फल ये होगा कि हम परोपकार करें, किसी को कष्ट न दें, किसी को पीड़ा न दें। जैसे मैंने दूसरे श्लोक में रामचरित मानस कहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का हित करना, दूसरों का कल्याण करना। पर हित सरिस धर्म नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई अधमाई नहीं है, कोई अधम कार्य नहीं है से बढ़कर दूसरों को पीड़ा देने से। तो ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का हमारा, हमारे जीवन में ये भाव आना चाहिए कि हम परोपकार करेंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम से हमको विशेषकर श्रवण करने को मिला है। और श्रीमद् भागवतम कितना मधुर है, कितना अच्छा है, इसकी इसका महात्म्य आप श्रवण करते आए हैं, कल भी आपने श्रवण किया है। हाँ, व्यासदेव जी ने मंगलाचरण में सुंदर तीन श्लोक दिए, कल हमने प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किए, तीसरा श्लोक बड़ा ही सुंदर, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला, बड़ा अच्छा लगता है। तो इन श्लोकों का अर्थ आपने श्रवण किया है और इसका आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने जीवन में कथा को उतारेंगे, तो ही कथा श्रवण करने का हमें फल प्राप्त होगा। निगम कल्प तरोर गलितं फलम् शुक मुखादयं भित द्रव सैतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल प्रभु जी ने बताया था कि निगम कल्प तरोर गलितं फलम्, ये श्रीमद् भागवतम कैसा है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपूर्ण पक्का पक्का फल, पूर्ण रूपेण पका हुआ फल है। वेद शास्त्र सबका निचोड़ तत्व, सबका सार है, वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का सार तत्व जो है श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्प तत्व है और गलितम फलम, पका हुआ, गलितम माने गला से मतलब नहीं, पका हुआ, बहुत अच्छे से पका हुआ है। और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये पहले से बहुत मीठा है, बहुत रसीला है,
इसमें बहुत स्वाद है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जब ये भागवत कथा का श्रवण कराया गया तो ये और भी मधुर हो गया। सुख है, सुख तोता, उनकी नासिका तोते की जैसी है, सुखदेव की नासिका तोते की जैसी है। तो जैसे कोई तोता पके हुए आम पर चोंच मार देता है, आम पक गया और तोता अपनी चोंच मार देगा तो उसमें मिठास और अधिक हो जाएगी, वो और भी मीठा हो जाएगा, और भी मधुर हो जाता है। तो ऐसे ही भागवतम है तो बहुत मधुर पहले ही, बहुत मीठी है, बहुत बहुत आनंद कथा श्रवण करने का। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इसको कथा श्रवण सुनाए परीक्षित महाराज जी को, अन्य श्रोताओं को, तो ये और भी मधुर हो गया, अमृत स्वरूप हो गया। शुभ मुखात अमृत द्रव संयुतम अपिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का घर है, इसमें रस ही रस है। ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, रसो वै सह, भगवान श्री कृष्णों का रस ही है, भगवान रस ही रस है, भगवान में सब रस ही रस है, स्वाद ही है, अमृत स्वरूप है, मिठास है। ऐसे ही भागवत भी पूरा रस का आलय है, रस का घर है, इसमें रस ही रस है। और ये ऐसा फल है जिसमें न तो छिलका है न गुठली है, रस से भरा पूरा रस है। और पिबत भागवतम रसमालय, इसको पान करें, इसको पिए। अब ये फल है कैसे पी सकते हैं, तो खाने की जैसी वस्तु है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कान से इसको पिए, अपने कर्णपुत्र से इस रस का पान करो। हाँ, क्योंकि निरंतर कथा श्रवण करना है तो कथा पान करना है। हाँ, और मुहुर हो रसिका भूमि भाव का, हे रसिक भक्तो, हे रसिक संतो, रसिक माने जो रस लेते हैं, आनंद लेते हैं कथा में, कथा श्रवण करने में जिनको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न होकर कथा श्रवण करते हैं, तो उनको रसिक भक्त कहा गया है। तो कह रहे हैं कि हे रसिक संतो, आप सब लोग भी रसिक हैं, आप भी रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कथा का। हाँ, पूर्ण रूपेण आप अपने हृदय में उतार रहे हैं कथा को। तो मुंह रहो रसिका भूमि भाव कहा, हे रसिक संतो मुंह रहो, बार बार श्रवण करो, बार बार हमेशा। आप पूछा कि कब तक श्रवण करेंगे, अंतिम सांस तक श्रवण करो, जीवन के अंतिम सांस तक निरंतर कथा का श्रवण करो, कथा का पान करो। और आप भावुक होकर, बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से निरंतर श्रीमद् भागवतम का पान करो, श्रवण करो, मुंह रहो, बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। यदि कोई कहे कि हमने बहुत कथा सुन ली है, अब और अधिक कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें कथा का मर्म समझ में आया ही नहीं, उन्होंने कथा को समझा ही नहीं। कथा की तो प्यास बढ़नी चाहिए, और सुने, फिर सुने, बार बार सुने, ये प्यासा मन, मन प्यासा हो जाना चाहिए, बार बार सुनने की इच्छा हो जानी चाहिए। इस तरह श्रीमद् भागवतम की महिमा अनंत है, इसको अधिक विस्तार से कहने का समय नहीं है, और इससे अधिक मैं जानता भी नहीं हूँ। अब आप श्री गुरुदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे, यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्प करुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथामृत की जय। जय जय श्री राधे। श्री बलराम प्रभु जी, आप तो थोड़ी सी कथा सुनाएं। ॐ अज्ञान्ति निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुर्वे नमः। गुर्वे गौरीचन्द्रा
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोतर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके श्री चरण कमलों में अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्यपाद श्री बंसीवदन प्रणभू जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और श्रीधाम वृंदावन से पधारे अन्य अन्य भक्तवृंद सही श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम और उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। यह हम सबका बहुत बहुत शुभ अवसर है शुभ दिन है कि हम लोगों को एक शुद्ध गुरु परंपरा के अंतर्गत भक्ति को सीखने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी परसों ही पूज्यपाद बंसीवदन प्रभु जी कथा के माध्यम से हमको बता रहे थे कि हम लोग कथा बहुत सुनते हैं और कथा करने वाले भी बहुत बहुत हैं। अगर हम इसका आकलन करें तो लगता है कि इस पूरे भारत में हर 100 किलोमीटर के दायरे में एक कथा सुनने का मिल जाएगा। लेकिन क्या उस कथा से हमें कुछ लाभ हो रहा है ये हमें सोचने का चाहिए। वास्तविकता यह है कि महाराज जी बता रहे थे कि जो एक हम अवैष्णव के मुख से या किसी अन्य के मुख से जब हम श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें उस कथा का लाभ नहीं होता। लाभ होता है क्योंकि भगवान का नाम तो जिनमें है सच्चिदानंद है तो वो असर तो करता है। लेकिन बता रहे थे कि वो 2 कदम पापों को नष्ट करेगा और 3 कदम हमारा पुण्य अर्जन करेगा। कितने कदम हो गए? 5 कदम। लेकिन 5 कदम ही वह हमें भगवान से दूर कर देता है। यानी कि जो भगवान से और हमारे बीच के संबंध का जो रास्ता है वह तो विलुप्त हो जाता है। लेकिन हम किस में खो जाते हैं कि हमारे पाप खत्म हो गए और पुण्य अर्जन हो गए। केवल यही हम संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ हमारी चरम सीमा जो है भक्ति की वो यही है। जबकि ऐसा नहीं है। जो रूपानु गौड़ वर्गों के गुरु वर्ग हैं उनके जब माध्यम से जब हम श्रीमद् भागवतम कथा को सुनते हैं तो वो है हमारे पापों के जो 2 कदम है या पुण्य अर्जन के जो 2 कदम 3 कदम है इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। वास्तव में वह भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है भगवान के बीच में जो संबंध स्थापित करने का जो रास्ता है जो वह पगडंडी है उस पगडंडी को मजबूत करने का जो नियम है वह बताते हैं रूपानु गौड़ीय वर्ग। और इनके मुख से जब हम श्रीमद् भागवतम कथा को सुनते हैं तो तब हमें पता लगता है कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम कथा का मर्म क्या है। अब ये जो रास्ता है ये जो पगडंडी है जिसपे हमें चल के भक्ति मार्ग को प्रशस्त करना है उसको उसका प्रशस्त करने का जो तरीका है वह गुरुवर्ग क्या करते हैं
सबसे पहले बोलते हैं भाई तुम तिलक लगाया करो, कंठी माला को धारण करो, एकादशी का व्रत किया करो और हरिनाम किया करो। ये चार काम करने को बोलते हैं। जब ये चारों काम करने में गुरुदेव देखते हैं कि ये पारंगत हो जाता है, हो गया है, तो गुरुदेव उसकी स्टेज बढ़ा देते हैं। और वह स्टेज क्या है? गुरुदेव उसे ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं। अब ये ब्राह्मण दीक्षा है क्या, इसके विषय में बहुत लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम हैं। अभी क्या है मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले बड़ौत में जो दीक्षा हुई थी वो हमारे प्रेमचंद प्रभु जी की हुई थी। अब तब दीक्षा का अर्थ यहाँ अक्सर क्या लगाया जाता है कि भाई ये तो घर बार छोड़ के सब वनों में रहेगा जाके। तो हुआ क्या, ये तो चले गए दीक्षा लेने के लिए, तो जो इनके साले साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया है भाई विनय, अब तो ये दोनों वनवास में रहने लगेंगे, घर की देखभाल कौन करेगा? तो मैं कहने लगा जी कौन जा रहा वनवास में? कह लेंगे प्रेमचंद जी दीक्षा ले रहे ना। तो मैंने कहा मका जी किसने कहा आपको वनवास जाएंगे? वो दीक्षा का मतलब क्या है? और मका जी आप गलत समझ रहे हो, गुरुदेव दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन को जीने की प्रणाली बताते हैं कि हम कौन से ज्ञान को इकट्ठा करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन जो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उस जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने की कला बताते हैं और कुछ नियम बताकर उन नियमों को जब हम अपने जीवन में पालन कर लेते हैं तो हमारा जो भक्ति का मार्ग है वो इतना पुष्ट हो जाता है कि फिर हमें ये जो भिन्न भिन्न तरह की कहना चाहिए मिश्रित भक्ति देखने को मिलती है वहाँ हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो शुद्ध भाव है वह केवल और केवल मुझे जो देखने को मिला है वो केवल गौड़ीय परंपरा में मिला है, रूपानु गौड़ीय परंपरा। अब इसमें क्या है, इसमें जो शुद्ध वैष्णव हैं ये हमें एक भाव की अनुभूति कराते हैं और वह भाव है गोपी भाव, जो सबसे कहते हैं भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है। उस भाव को हमें समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। अब गुरुदेव बोल रहे थे ना कि यहाँ एक साल में कितनी बार कथा हो रही है? दो बार कथा हो रही है। और अभी अभी जयदेव प्रभु जी भी बोल रहे थे कि अरे बहुत बार कथा सुन ली, अब कथा सुनने का क्या लाभ है, एक ही कथा को बार बार सुनते रहो इससे कुछ हासिल थोड़ा ही है। तो अभी इसके पीछे पूज्य बात वंशवर्धन प्रभु जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया था, रोटी रोज क्यों खाते हो, एक बार खा ली बस खत्म कहानी, सुबह को भी चाहिए शाम को भी चाहिए और नाश्ता भी चाहिए। तो जितनी बार खाओगे उतनी बार क्या होगा, आपका शरीर पुष्ट होगा। इसी तरह से जब श्रीमद् भागवतम कथा को बार बार श्रवण करोगे तो हमारा क्या होगा, हमें उस कथा का मर्म समझ में आएगा कि गुरुदेव हमें वास्तव में समझाना क्या चाहते हैं। अभी तो क्या कहते हैं ना कि जब सत्संग में आए हो, कथा सुनने को आए हो, तो जरूर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएं। अब लेके क्या जाएं, मिलता तो कुछ है नहीं, अब वो मिलेगा तो ऐसे ना कि भगवान ने क्या है ना ये दो कान बनाए हैं, आपने समझ लिया कि इधर को सुनना है और इधर को निकालना है, नहीं, रास्ते दो जरूर हैं लेकिन इन दोनों रास्तों से अंदर जाने का रास्ता है, वो यही यहाँ तक पहुंचना है और अगर निकालना है फिर उसे तो मुंह से निकालना है, कानों से नहीं निकालना, निकालना है तो मुंह से निकालना। तो इसीलिए जब हम कथा को सुनते हैं तो गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि यहाँ से कथा सुनो और अपने दूसरे साथी को सुनाओ। अब हो क्या रहा है कि अभी परसों ही सुबह है गुरुदेव कथा के माध्यम से बोल रहे थे, सुबह मंदिर में कथा कर रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि आज होता क्या है कि आज अगर किसी साधु ने शिष्य को जरा सी बात कह दी तो उसी पे ही वो तुनक जाता है, भला मुझे ऐसा क्यों बोल दिया,
मैंने तो कुछ गलती नहीं करी। तो तब बोल, इसका बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक बार एक साधु की एक भक्त बहुत अच्छे से सेवा करता था। उसका काम क्या था कि रोजाना यमुना से घड़े में जल को लाना और उससे ठाकुर जी की सेवा करना, ये काम था। वो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा था। तो कोई काम में कोई त्रुटि रह गई होगी तो गुरुदेव ने थोड़ा सा उसको बोल दिया, तो उसे वो अच्छा ना लगा और कहने लगा, मैं ना करता यहाँ पे सेवा, काम भी करो और डांट भी सहो, ऐसा कैसे थोड़ा, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो हुआ क्या कि वो जब अगले दिन अंतिम बार घड़ा से जल लेने को जा रहा था तो उसने सोचा जल मैं यमुना जी पे ही छोड़ दूं और मैं जाऊंगी ही ना मठ में। तो जब वो जाने लगा तो उस घड़े ने उसे पुकारा और बोला, अब उसने आवाज लगाई तो वो देख रहा आवाज आ कहां से रही है, कहीं से दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। तब घड़े ने खुद कहा कि सुनो इधर आओ मेरे पास आओ, मैं बोल रहा हूँ घड़ा। तो वो उसके पास गए, कहने लगे क्या हुआ, तुम आज मुझे भर के नहीं ले जा रहे। कहने लगे, अरे मैं रोज आना भर के ले जाता हूँ, आज जरा सी कोई मेरे से त्रुटि हो गई होगी तो उसे मुझे बोल दिया और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों में बोल दिया, तो इसलिए मैं नहीं करता सेवा, मैं तो जा रहा हूँ। तब घड़े ने बताया कि अच्छा एक मेरी एक बात सुनो। बोलो। कि तुम जानते हो कि मेरी स्थिति क्या है, कि बताओ कि देखो जहां लोग सुबह को शौच क्रिया करते हैं तुम्हारे गुरुदेव मुझे उस मिट्टी वहां से वो मिट्टी लेके आए, तो अब तुम समझ सकते हो कि मैं कितने अपवित्र था। यानी जहां शौच क्रिया करते हैं वहां से मिट्टी खोद के लेके आए, फिर उस मिट्टी को क्या करते हैं, उस मिट्टी को पानी में डाल के उसे खूब पीटा जाता है। मुझे खूब पीटा गया, पीटने के बाद फिर खूब रोंदा गया, रोंदने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, रोंदने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे चाक पे चढ़ाया, चाक पे चढ़ा के मुझे घड़े की आकृति दी, घड़े की आकृति देने तक ठीक था, फिर भी उनका मन नहीं भरा। फिर मुझे तपती दोपहरी में 5 दिन तक लगातार सुखाया, सूखने के बाद भी फिर भी उनका मन ना भरा। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे भट्टी में झोंक दिया, यानी कि मुझे खूब अच्छी तरह से पका दिया, और जब मैं पक गया तब भी मन नहीं भरा, तब मुझे बाजार में दुकान पे सजा दिया, और लोग क्या करते हैं डंडी से मार मार के देखते हैं कि घड़ा कच्चा है कि पक्का। जब उसमें से टन टन की आवाज आई तब गुरुदेव मुझे लेके आए और तब मुझे क्या किया, ठाकुर जी की सेवा में लगाया। तो गुरुदेव यही काम करते हैं कि भक्त को हरिनाम देकर, दीक्षा देकर या तिलक कंठी माला की शिक्षा देकर उसे, उस भक्त को ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। ये काम होता है गौड़ीय परंपरा में। तो इसलिए हमें किसी और की बातों में ना आकर अपना भला बुरा अच्छा स्वयं सोचकर गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, बोलते क्यों नहीं, एक बार बोलो राधे राधे। इतने सारे आदमी, इससे ज्यादा तेज आवाज तो एक आदमी के सत्संग में आती है, जरा जोर से बोलो, अभी तक तो बाहर तक भी नहीं गई, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा, एक बार हरे कृष्णा और बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। आनंद से कम आया ना, देखो रिकॉर्डिंग होने लग रही, कल को जाएगा टीवी में, भाई साहब के मुंह इनका इनकी तरफ को कर दो, तब बोलना जोर से, जितनी जोर से बोलोगे टीवी में आवाज उतनी बढ़िया आएगी। जोर से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, आगे की कथा श्री मुख्य
देखो भागवत में एक कथा आती है, प्रभु जी ने जहां से स्टार्ट किया है एक अच्छी बात समझाई, अभी ये चीज को समझने के लिए कोशिश करो। एक समय कृष्ण के बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते देखा एक एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ, कुआ थी छोटा और गिरगिट था बड़ी, और उसका अंदर में वो टस से मस्तक भी नहीं हो पा रहा था, श्वास भी नहीं ले पा रहा था। कृष्ण के बच्चों ने कोशिश की उसको निकालने के लिए, लेकिन वो गिरगिट को किसी तरह से निकाल नहीं पाए। तब भागते भागते कृष्ण के पास में गए, बोले पिताजी पिताजी जल्दी जल्दी आओ, तुम्हें क्या बात है? बोले एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ, श्वास तक भी नहीं ले पा रहा है, बड़ा छटपट कर रहा है। कृष्ण आए, कृष्ण तो सब जानते हैं। इतने में कृष्ण अपना प्यार को नीचे बढ़ाए और वो गिरगिट को स्पर्श करते ही वो गिरगिट बड़ा सुंदर एक देवता का जैसे रूप धारण किया। कृष्ण के बच्चे लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये गिरगिट बना हुआ था इतने सुंदर देवता कैसे बन गया? तब कृष्ण ने पूछा कि आप कौन हो, अब ये गिरगिट क्यों बने हुए थे? बोले ठाकुर जी आप तो घटघटवासी सब जानते हो। कृष्ण ने कहा तब भी आप बताओ। बोले आप लोगों ने सुने होंगे सत्य युग में एक राजा थे जिनका नाम था नृ। बच्चों ने कहा ये तो पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी था। बोले कितने बड़े दानी? बोले पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन इनकी दान को कोई नहीं गिन सकते। उन्होंने क्या दान दिया देता था? बोले जो गैया एक बछड़ा जन्म दिया, दूध देने वाले गैया को सींग को सोने में बढ़वा करके, खूर को चांदी में बढ़वा करके, उसको पीठ के ऊपर में मखमल वाले कपड़े से ओढ़ करके उन्होंने ब्राह्मण को दान दिया। बोले भैया फिर आप एक गिरगिट क्यों बने? बोले इसलिए मैंने गिरगिट बना, मैंने संकल्प करके जो गैया को एक ब्राह्मण को दान दिया था वो गैया आकर के दूसरे गैया में मिल गया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला, फिर मैंने संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब दूसरे ब्राह्मण उसको लेकर के जा रहा था, एक दिन पहले जो ब्राह्मण को दिया था वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था मेरी गैया कहाँ गई, देखा दूसरा ब्राह्मण उसको ले जा रहा है। उसने कहा ये मेरी गैया राजा ने मेरे को कल दान दी थी। बोले राजा अभी अभी संकल्प करके मेरे को दान दिए? बोले नहीं राजा मेरे को कल दान दिए थे, अभी मेरी तेरी करते करते राजा को पास में आए। राजा तो देख करके कांप उठे, क्योंकि संकल्प करके जब एक बार किसको दे दो फिर उसको दो बार फिर संकल्प करके नहीं दे सकते, ये गलती है। राजा ने अपना गलती को स्वीकार की, दोनों ब्राह्मणों को चरण में गिर पड़े, मेरे से भूल हो गई, एक काम करो ये गैया एक ब्राह्मण ले ले, दूसरे ब्राह्मण को मैं 100 गैया दान देता हूं। लेकिन वो तो अपना बात पर अड़ गए थे, बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए, हमें दूसरे गैया नहीं चाहिए। बोले 1000 गैया देता हूं, बोले नहीं, बोले 10000, बोले नहीं, बोले 1,00,000, बोले नहीं, बोले 1,00,00,000 गैया देता हूं, 1 गैया को छोड़ दो, बोले नहीं। बोले ओ गिरगिट जैसे तू रंग बदलाते हो, जा तू गिरगिट जन्म में चले जा, अभिशाप दे करके चले गए। अभी मृत्यु को बाद में अभी जमदूत लेकर के जमपुरी में गए। जब महाराज चित्रगुप्त को उगले, इसका काफी खोलो कितने पाप और कितने पुण्य। चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने इतने पुण्य की अक्षय स्वर्ग की पाप प्राप्ति होगी, लेकिन बीच में एक गलती भी हो गई, जो गलती इसने किया है, एक बार संकल्प करके दो बार उसने दिया, इतनी सी गलती इनको हुई। राजा को पूछे बताओ तू पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे? बोले जब पुण्य बहुत पाप थोड़ी सी, पहले मैं पाप को ही ले लेता हूँ, पुण्य तो भोग करूंगा ही। फिर उसने गिरगिट बन करके जन्म लिया। और ये कब की कथा है? बोले ये सत्य युग की। बोले कृष्ण कब आए? बोले द्वापर का अंतिम में।
मतलब कितने लाख साल तक उसने ये गिरगिट बन करके पढ़ा। यहाँ प्रश्न होता है, पुण्य का जो फल है ये कृष्ण दर्शन नहीं, पुण्य का फल कृष्ण दर्शन नहीं, फिर इनको कृष्ण दर्शन कैसे मिला? तब इसका कारण बताए, इनकी स्वभाव में था दान पुण्य करना। एक दिन सचमुच से इसके घर में कोई शुद्ध भक्ति करने वाले संत आए, स्वभाव में था सेवा करना। तब उन्होंने संतों को बैठा करके उन्होंने एक बार प्रसाद खिलाए, बोले बाबा आपको कोई चीज की जरूरत है बताओ। बोले मेरे को एक भागवत ग्रंथ आप दान कर सकते हो, मेरी मन में इच्छा है भागवत पढ़ने का। पहले तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, उन्होंने ताल पत्ते में 18,000 श्लोक को लिखवा करके उन्होंने ब्राह्मण को उन्होंने भागवत ग्रंथ दिया। बोले ये भागवत कौन है? बोले ये भागवत स्वयं कृष्ण है, ये भागवत और कहीं नहीं। इसलिए भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए, जब उद्धव जी ने पूछा प्रभु जी आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, मैं किसका सहारा लेकर के रहूं? बोले हे उद्धव, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन दूसरे स्वरूप में रह भी रहूंगा। बोले प्रभु आप कलयुग में किस रूप में रहोगे? बोले ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रूप। इसलिए बोले तेन अयंग पांग मई मूर्ति, ये भागवत नहीं, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में ये श्रीमद भागवत ग्रंथ में विद्यमान है। इसमें जो द्वादश स्कंध नहीं, ठाकुर की द्वादश अंग है। प्रथम द्वितीय स्कंध भगवान की दो चरण बांके बिहार की, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की दो गुरु है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की दो भुजाएं, अष्टम स्कंध भगवान की बक्षस्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दशम स्कंध भगवान की बुखार बिंद, एकादश स्कंध ललाट और द्वादश स्कंध भगवान की ये सार। इसलिए ये भागवत नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी जीव के कल्याण के लिए ये कलयुग में ये पुराण रूपी सूर्य उदय हुए। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार भाग जाती हैं, उसी तरह ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने पर हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है ये अंधकार दूर हो जाती है। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। जयकार में आनंद नहीं आया। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। देखो एक एक चीज को समझो, एक पाप है, अच्छे तरह से समझो ये चीज को, एक पाप है, एक पुण्य है और एक सुकृति है। ये तीन चीज को अच्छे तरह से समझ जाओ, समझो बहुत एक अच्छी चीज को समझ गए। अगर ये चीज को नहीं समझ पाए ना, संसार में भटकते रहोगे, जन्म जन्मांतर इसी चक्कर में पड़े रहोगे। कहते भैया पाप किसको कहते हैं? बोले वेद विरुद्ध कर्म पाप है, दूसरों को कष्ट देना, मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी फूंकना, अवैध स्त्री में गमन करना, अपना पतियों को छोड़कर पर पुरुष में जाना, कहते ये सबके सब पाप बताया। कहते इसका फल क्या है? बोले नरक। फिर जब नरक भोगने का बाद फिर कहां जाओगे? फिर इसी जगत में आओगे। बोले पुण्य किसको कहते हैं? दूसरों को सुख देना, हॉस्पिटल खोलना, इसके लिए दवा खाना खोलना, दुखी दरिद्र को वस्त्र देना, भोजन देना, कहते ये पुण्य है। बोले भैया पुण्य का फल क्या है? बोले पुण्य का फल स्वर्ग है। पुण्य करते करते जीव यहाँ तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं। लेकिन जब तुम्हारी पुण्य समाप्त हो जाएगी फिर क्या करोगे? फिर ऐसी जगत में आना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये जन्म मृत्यु का चक्कर में फिर तुम्हें भटकना पड़ेगा। बोले भैया सुकृति कहते हैं किसको? जैसे ये श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो, इसको द्वारा मन संतुष्ट नहीं, ये आत्मा की तृप्ति है। जैसे भगवान का नाम करते हो, ये भगवान से संबंध है, ठाकुर जी से संबंध है। जैसे तुलसी में पानी देते हो,
ठाकुर जी का आरती उतारते हो, ठाकुर जी का स्नान कराते हो, घर में गीता भागवत पढ़ते हो, किसी साधु को कोई चीज सचमुच से जो भक्ति करने वाले व्यक्ति उसको सचमुच से कोई वस्त्र व उसकी उपयोगी कोई वस्तु आपने प्रदान किया, यदि ये शरीर संबंधी वस्तु नहीं ये आत्मा संबंधी वस्तु है भैया, ये सुकृति का फल किया, पर ये सुकृति कभी खत्म नहीं होता है, ये सुकृति केवल बढ़ती रहती है, केवल आपका डिपोजिट हुई ये कभी खत्म नहीं होगी, केवल डिपोजिट डिपोजिट होते होते जब बहुत बड़ा रूप धारण करेगा, अरे भगवत इच्छा से कृष्ण इच्छा से उसको संतों का दर्शन मिलेगा, उसको भक्त संग मिलेगा, जब उसको भक्त संग मिलेगा फिर उसको पता चलेगा भैया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अभी जिनको ये परिवार समझता हूँ फिर ये जाएंगे कहाँ, कहाँ पर मैं था, मरने का बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर ये संसार है क्या चीज, फिर उसको ये आत्मज्ञान होता है, जब उसको आत्मज्ञान होता है उसको पता चलता है जो जीव कौन है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, फिर वो क्या करेगा, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करेगा, भगवान की भजन करना शुरू करेगा, जब भक्ति करेगा उसका फल क्या है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपदुतु कंतय पुनर्जन्म न पिते, हे अर्जुन जीव जगत का पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक जा सकता है, लेकिन जब उसको पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर उसको दो बार इस संसार में गिरना पड़ेगा, फिर उसको जन्म मृत्यु का चक्कर में फिर भटकना पड़ेगा, लेकिन जो केवल मेरे भक्ति करते हैं भजन करते हैं बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते, जिस मेरी धाम को जाने पर फिर वहां से दो बार किसी संसार में उसकाना नहीं पड़ता है, बोले तत् प्रसादात पराम शांति, जीवन में परम सुख परम शांति की प्राप्ति होती है अर्जुन जब मेरे को भक्ति और मेरे को प्रेम अगर कोई करे तो, इसलिए ये भागवत कथा की इतने महत्व है, राजा ने ब्राह्मण को दान दिए लेकिन वो ब्राह्मण कर्म करने ब्राह्मण थे, वो भक्त ब्राह्मण नहीं थे, अगर वो भक्त होते हैं ना वो मान लेते भैया इनकी अनजान में कोई दोष हो गई माफ कर दो, इनकी अपराध को माफ कर दो, क्यों ये अनजान में हो गई, लेकिन वो ब्राह्मण भक्त ब्राह्मण नहीं थे, वैष्णव ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए इनकी दर्द को उन्होंने देखा नहीं, अपना दर्द को देख करके उनको अभिशाप दिया, इसलिए जो दान देना सत पात्र में दान होनी चाहिए, अगर असत पात्र में दान हुआ फिर उसका उल्टा रिएक्शन होती है, इसलिए दान देते समय में भी सोच विचार करके ऐसे जगह पर दो जो सचमुच से भक्तों की सेवा हो, संतों की सेवा हो और ठाकुर जी की सही सही वो वस्तु ठाकुर जी की सेवा में लगनी चाहिए, फिर तो दिन दोगुना रात चौगुना ही बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते एक दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति तक भगवत प्राप्ति करा देगी, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो ये भागवत कितने महिमा है, केवल मैंने एक भागवत ग्रंथ दान दिया और वो संत ने केवल ये भागवत कथा पढ़ा तो इसका फल क्या हुआ, कृष्णा दर्शन, इसका मतलब है जो व्यक्ति आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हो एक दिन आपको जरूर कृष्ण दर्शन मिलेगा ही, जरूर कृष्ण प्राप्ति होएगा और उनको प्राप्त करने का बाद फिर ये संसार में हमें दोबारा आना नहीं पड़ेगा, फिर तो ब्याज तो गढ़ है, मतलब अपना घर में हम असली घर में हम सबके सब पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी के चरण में हम पहुंच जाएंगे, अभी हमारे श्री बंसीवदन प्रभु जी ज्ञान किमिरांधस्य
ज्ञानांजना जेन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णु पादाय प्राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कलमशनाशाय जाह्नवपते नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु देना बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीजं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि भक्त्या विहेन अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामाजितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब लोग बोले बोला हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Paramaradhyatam Nirpadhika Karuna Varadha Guru Pada Padma
नित्यरला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल साष्टांग दंडवत अर्पण करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिका आचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में अर्घ्य का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण कोई जय नहीं दिए। क्यों नहीं दिए पता है? क्योंकि आप लोग बड़ौत के वासी हो। बड़ बड़ा मतलब बड़ा ऊंचा, उत मतलब वासना, उतीच वासना प्रोक्त बड़ा वासना है। क्या बड़ा वासना? जैसा हमारे बलराम प्रभु ने बोला टीवी में आएगा उच्च स्वर में बोलो बड़ी वासना जाग गई। राधे बोले मैं बोलता हूँ जय दो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बाबर अगर टीवी में आने के लिए होगा तब तो जय देंगे, अब भगवान मिलेंगे भक्ति हो जाएगा उसके लिए नहीं। चुप बैठो, इतना बड़ी वासना मत करो। ये बड़ी वासना तो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में क्या हुआ नहीं हुआ ना। ये स्टैंड को हिट करो मैं पकड़ दी बताने से। तो चलो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से चाहे बड़ी वासना हो तो भी पूर्ण हो जाती है। अगर चाहे वासना मिटा नहीं बड़ी वासना जग गया तो भी भागवत का शरणापन्न हो जाओ। कोई पैसा वाले का, कोई दूसरे देवा देवी का, किसी का शरणापन्न मत हो। अगर बड़ी वासना जग गई तब तो एक ही काम करना है। क्या? बड़ी वासना जाग गई तो अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधि तिप्रेण भक्ति जोगेन जजन्ते पुरुषं परम। भगवान के ही शरणापन्न होना चाहिए। जैसा भागवत में कथा आती है ध्रुव जी को, ध्रुव जी को सकाम भक्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कामना पूर्वक भगवान को भजन किया। तो सकाम भक्त हृदय में वासना रहा राज गद्दी प्राप्ति करने के लिए, राज गद्दी भगवान से प्राप्ति करने के लिए इच्छा करना, ये सचमुच एक तुच्छ वासना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। राज गद्दी के लिए प्राप्त करना, कहां भगवान अप्राकृत गोलोक वृंदावन देने प्राप्त भक्ति देने वाले प्रभु, ये जागतिक जगत का एक राज सिंहासन, उनके सामने करोड़पति सेठ को एक बीड़ी मांगना या सिगरेट पीस एक पीस मांगना जैसा, भगवान से भी एक राज गद्दी मांगना ऐसा ही है। लेकिन वासना जाग गया तो दूसरे के पास नहीं गए, भगवान के पास ही गए तो भक्ति बन गया। भगवान के पास इतना क्षमता है, चाहे भाई देखो बेटा को जो कुछ चाहिए किसके पास जाता है? पिता के पास ही जाता है, दूसरे के पास नहीं जाता। इसलिए कुछ भी चाहिए भगवान के पास में जाओ, दूसरे के पास मत जाओ। लेकिन भगवान से मांगना नहीं चाहिए, अगर कभी कभी बीच में कुछ हो गया तो मांग लो चलेगा, लेकिन भगवान से ही मांगो। ऐसा मांगने वाले थे ध्रुव जी, बड़े सुंदर भक्त। उनका चरित्र से बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा मिलेगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। भगवान के पुत्र बने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का पुत्र बने मनु महाराज, स्वयंभुव मनु, जिन्होंने स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर वया सखी वयम।
मनु महाराज जी भगवान के बड़े भक्त थे। 71,000 वर्ष शासन किए पृथ्वी पृष्ठ को, लेकिन फिर भी उन्होंने हरि कथा के द्वारा व्यतीत किया। राज्य शासन प्रजाओं अन्य अन्य राज कर्म का कर्मचारियों के द्वारा किया, लेकिन खुद हरि कथा के द्वारा ही व्यतीत किया। इसलिए उन्होंने द्वादश महाजन्म में एक है। हम लोग उल्टा दुर्जन बन जाते हैं, सज्जन भी बन नहीं पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारे समय व्यतीत होता है ग्राम्य कथा में। कथाओं तो सुनते हैं, बोलते हैं। भगवान ने सामर्थ्य दिया बोलने के लिए, जीवा दिया, मुख दिया, पवन भी दिया, हवा दिया, बोलने के लिए सारी सामर्थ्य दिया है, लेकिन और सुनने के लिए भी सामर्थ्य दिए, लेकिन हम लोग फिर भी दुर्जन। इसलिए क्योंकि हमारे उसी सब चीज को व्यवहार करते हरि कथा में नहीं, कहां पर? ग्राम्य कथा में। कृष्ण कथा के व्यतिरेक वस्तु में हम लोग व्यतीत करते, इसलिए हम लोग दुर्जन। लेकिन महाजन वही है जिन्होंने कृष्ण कथा सुनते हैं और बोलते हैं निष्कपट भाव से। तो ऐसे मनु महाराज के दो पुत्र थे और तीन बेटी थी। पुत्र थे, पुत्र का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा के दो पत्नी थी, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति उत्तानपाद और कोई नहीं, हम सब लोग ही उत्तानपाद हैं। हम सबका दो दो पत्नी है। एक है सुनीति, सुष्ठुर नीति जस्या सा सुनीति, शास्त्र की नीति सुनीति। शास्त्र के नीति को जिन्होंने अपनाया उन्होंने सुनीति को अपनाया। और सुरुचि स्वस्य रुचि, अपना इंद्रिया, अपना मन जो कुछ कहता है उसको जिसने अपनाया वो है सुरुचि, उनका उपत्नी है। अगर किसी ने सुनीति को अपनाया उनका बेटा ध्रुव जी जरूर पैदा होंगे। ध्रुव जी मतलब भगवान, ध्रुव मतलब सत्य, सत्य स्वरूप भगवान प्रकट हो जाएंगे। शास्त्र ने कहा सुबह उठने मात्र से स्नान करके भगवान की मंगल आरती को दर्शन करो, कीर्तन करो, करो ना, मिलेगा जरूर, भगवान प्राप्ति होंगे। और सुरुचि अपना रुचि हुआ, सुबह सुबह ठंडी में इतना अच्छा नींद आता है ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद, कौन खुलता है, कौन उठेगा, सो जाओ। वही मन तो पहले सुनीति को अपनाता है, सोने के समय अलार्म दे करके सोता है, आज मंगल आरती जाऊंगा, 4 बजे उठूंगा, अलार्म देता है। और जो टाइम होता है अलार्म बजाता है वही मन सूरज को अपना लेता है, वही मन बंद कर देता है, बाबा थोड़ी देर के बाद इतना टाइम पूरा। अपना मन कभी सुनीति को अपनाता है और कभी सूरज को, क्योंकि विडंबना है जिस समय अलार्म नहीं दो तो उसी समय सुरुचि को अपनाए कोई असुविधा नहीं, लेकिन अलार्म जब उठाते तब तो सुनीति को अपनाना चाहिए, लेकिन उल्टा करता है। जब काम नहीं उसी समय सुनीति को अपनाएगा, और जब काम बनेगा उसी समय सुरुचि को अपनाएगा। और सुरुचि को कोई अपनाए तो सुरुचि की बेटा कौन है, उत्तम पैदा होती है। उद्गत तमम उत्तमम, तम गुण बढ़ जाता है। कोई सुबह अगर सो जाए तो तम गुण जरूर बढ़ेगा, जरूर को परेशानी आएगी, संतुष्टि नहीं आएगा, शरीर में हीट बढ़ जाता है। इसलिए सुनीति को अपनाना चाहिए। एक बार उत्तानपाद ने सिंहासन पर बैठे थे और साथ में लिए थे एकदा सुरुचे पुत्र अंकम आरोप्य लालयन उत्तम नारुरुख्यंत ध्रुवं राजभ्यनंदत। एकदा सुरुचे पुत्रम, एक बार सुरुचि के पुत्र, सुरुचि के पुत्र
यहाँ पर नहीं कहते कि उत्तान पाद नहीं बोलते कि मेरा पुत्र सुरुचि है पुत्र, मतलब उन्होंने अपना प्रिय पुत्र सुरुचि के पुत्र अपना पुत्र नहीं बोलते। आजकल तो बड़ा विडंबन भी आया क्योंकि उत्तान पाद बड़ा स्त्रीण थे, स्त्री के वशीभूत थे। राजा होने पर भी सारा राज्य को शासन किया, कंट्रोल किया, लेकिन अपना इंद्रिय को कंट्रोल कर नहीं पाया। अपना स्त्री के वशीभूत हो गए। किसने आकर के पूछा किसको, कि कोई ज्योतिष को पूछा कि बाबा हमारे स्त्री हमारे बात नहीं मानता, मुझे उनका बात मानना पड़ता है, क्या करूं बताइए। मेरा स्त्री मेरा बात नहीं मानती लेकिन मुझे उनका बात मानना पड़ता है, क्या करूं। वो बोले करना क्या है मानना, बोले खराब लगता है। बोले खराब लगने से क्या, 50,000 की इतिहास तुम तोड़ना चाहते हो, कभी संभव नहीं होगा। आज तक इतिहास में ऐसा है, कली युग में स्त्री वश पुरुषः, पुरुष स्त्री का वश हो जाएंगे और तुम इतिहास तोड़ना चाहोगे तो कैसे हो, कभी नहीं संभव। तो जैसे भी हो उत्तान पाद बड़ा स्त्रीण थे, इसलिए उत्तम को लेकर के खेल रहे थे। लालयन अंकम, लालयन अंकम आरोप्य, गोद में ले लेकर के उठा रहे थे, बैठा रहे थे, चुंबन कर रहे थे, खिला रहे थे। लेकिन उत्तम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजा भ्यनंदत, उत्तम को देख करके ध्रुव जी कहां थे वहां आ गए। रुक्षंतम चढ़ने के लिए कोशिश किया, इच्छा किया, पिताजी मुझे भी पकड़े, गोद में ले, मुझे भी सिंहासन पर उठाए। लेकिन राजा न अभिनंदत, राजा ने अभिनंदन किया नहीं। कितना स्त्रीण है, पड़ोसी की बेटा भी आ जाए पिता ले जाता है। लेकिन सुरुचि खड़े होने के कारण सुरुचि रुठ न जाए, इसी भय से उन्होंने ध्रुव जी जैसा बेटा को उन्होंने उठाया नहीं। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ, उठाया नहीं क्योंकि रुठ जाएंगे, मान कर लेंगी सुरुचि ने। तो ध्रुव जी बार बार कोशिश कर रहे, उठ नहीं पा रहे, राजा भी नहीं ले रहे, उत्तम को पकड़ के रखा है, राजा ने सुरुचि को दृष्टि डाल रहे हैं। तब इस प्रकार चेष्टा को, दुराराध्य चेष्टा को देख करके सुरुचि ने बताया, ए ध्रुव नवश्च नृपते धृष्णम भवान आरणम अरति न गृहीतो मया जत्वं कुख्यादवति नृपात्मजः। हे राजा के संतान, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव जी, तुम कभी गोद में चढ़ नहीं सकते, राज सिंहासन में बैठने के लिए तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। क्या कारण, क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो लेकिन मेरा गर्भ से तुम पैदा नहीं हुए हो। अन्य स्त्री गर्भ संभुतो बालसी बत न आत्मानम, अन्य स्त्री गर्भ संभुतो, तुम बाल हो, बाल मतलब छोटा बच्चा, बाल का अर्थ भी मूर्ख है, तुम मूर्ख हो, नहीं जानते हो राजा की गोद में बैठने के लिए, राज सिंहासन में बैठने के लिए हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और तुम अन्य स्त्री गर्भ संभूत हो, दूसरे की स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारे अधिकार नहीं। अगर ध्रुव जी पूछ ले, माता अगर मुझे ये राजा की गद्दी चाहिए, राज सिंहासन में बैठने के लिए क्या करूं। तपस्या आराध्य पुरुषं तस्येव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं। ध्रुव अगर तुम चाहते हो राज सिंहासन में बैठने के लिए, तपस्या आराध्य पुरुषम,
पुरुषमान भगवान। भगवान को तपस्या करो और भगवान जब प्रकट होंगे संतुष्टि हो जाएंगे और मांगना माता सूरज के गर्भ में मुझे जन्म दे दीजिए, वही वर दीजिए, और अगर वर दे दे तब तो तुम जाके मेरा गर्भ से अगर तुम जन्म लोगे तब तुम राज सिंहासन में बैठ सकते हो। लेकिन ऐसा बात नहीं कि सुरुचि उनको भगवान को भजन शिक्षा दे रहे थे, बात तो ऐसा था। चक्रपाद कहते हैं मत गर्भ प्राप्ति साधने हरिं संतोष्य तं शीघ्रं म्रियस्व तन मातरं अदम रुदंतं पश्यम। बेटा जंगल में जाओ भगवान की आराधना करने के लिए, शेर खा लेगा और तुमको जो शेर खा लेगा एक ही बेटा तुम हो, तुम्हारे माता रोएंगी, रोदन करने के बाद मुझे देखने के बाद मुझे बड़ी आनंद आएगी। सपत्नी का दुख देखने के लिए जंगल में भेज रहे ना कि भगवान के पास भेज रहे। लेकिन जो सज्जन होती है उनकी माँ ध्रुव जी की सुनीति, उन्होंने कीचड़ से भी मलमूत्र से भी जैसा सुवर्ण को संग्रह किया जा सकता, अच्छी बात जैसा तोता से और बालक से भी संग्रह किया जा सकता, ऐसे दुष्ट नारी सुरुचि जितने सारी बात बताया खराब बात को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जिस एकमात्र बात लिया तपस्या आराध्य पुरुषम वही बात को ले लिया। मातुः सपत्न्या सुदुरोक्ति विद्ध श्वसनर सादंडहत जथाहि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु सरुदन सकाशं। मानदंड न सहते क्षत्रिय के एक स्वभाव होती है, ये कभी अपमान को सहन कर नहीं सकते। चाहे ध्रुव जी छोटे हैं बच्चा है लेकिन क्षत्रिय कुल उत्पन्न होने के कारण अपमान को सहन कर नहीं सकते। माताजी का वचन रूपी वाणी विद्ध हो गया शरीर में हृदय में, वाणी रूपी तलवार का वाणी रूपी चोट ऐसा होती है। कहते अगर तलवार में तो चोट लग जाए मेडिसिन के बाद वो खरोच चला जाएगा, क्षत भर जाएगा, लेकिन वाणी रूपी तलवार में अगर कोई चोट लगाए जीवन चला जाए तो लेकिन वो क्षत भरता ही नहीं। इसलिए कहते अतः प्रिय वाक्य प्रदान न, अच्छी तरह बात बोलो, प्रिय बात बोलो, कड़वा मत बोलो। बचने का दरिद्रता, आजकल व्यक्ति तो बहुत ज्यादा कड़वा बोलते, हम बोलते तो दूसरा संतोष, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। दूसरे के बाद कड़वा बोलना छोड़ो, आजकल अपना पत्नी भी इतना कड़वा बोलते हैं पूछो मत। बाहर जाए कोई कड़वा बोल दिया तो घर में बेटा आएगा ना, बिचारा तो घर में आएगा, और घर में घुसते ही अगर पत्नी कड़वा बोल दिया बाप नहीं। लेकिन ये बात है कि आजकल पत्नी भी कड़वा बोलने लगती है, इसलिए माताएं कभी कड़वा मत बोलना नहीं चाहिए। बिचारा कहाँ जाएंगे, आपको ग्रहण किया अर्धांगिन रूप में स्थान दिया, बस कुछ हो गया तो शुरू। घर में घुसते ही एक बार तो हमने सुना, तो जा रहे थे मार्केट में, एक महाराज जी बैठे थे, विक्रम उनका नाम था, वो कुछ बोले महाराज, बोले सही बात है, दूसरा किसी ने बोल दिया तो बोले हाँ महाराज जी जो बता रहे ना सही है, तो अपना पत्नी पूरा बोले विक्रम पूरा मुंह बंद, हाई कमांडेंट का पूरा कमांड मिल गया और कुछ बोले नहीं।
दस बारह किलोमीटर ड्राइविंग करके गए नाचो। महाराज जी बोले भाई कमांडेंट का ऑर्डर मिले, और कुछ बोले कभी नहीं बोलना चाहिए, पति देव होती है प्रणाम करना चाहिए, इतना प्रीति पूर्वक स्वागत करो। बाहर में जाकर के उन्होंने जितना कष्ट उठाया थकान मिट जाए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। तब चलो दुर्वचन के द्वारा ध्रुव जी जब हत हो गए, हृदय टूट गया, और पिताजी जब गोद में नहीं लिए, खुद माँ के पास आ गए, अंचल के अंदर चुनरी के अंदर मुंह छिपा करके रो रहे थे। किसने बताया? सूरी जी ने ऐसा बात बताया तो ध्रुव जी बड़ा दुखी हो गए। अभी सुनीति ने बहुत दुखी हो गई कि हमारे जीवन में कि ऐसा है कि इनका घर में मैं राजा का पत्नी हो करके भी राजा मुझे दासी की समान भी सम्मान नहीं करता। बेटा तुम हमारे संतान होने के बाद में दुर्भाग्य तुम्हारा है बेटा, लेकिन तुम मत्सरता मत करो, द्वेष मत करो, क्योंकि भक्ति राज्य में सारी वस्तु अपने अंदर कितना शत्रु होते हैं? छह शत्रु होते हैं। प्रहलाद महाराज जी को, हिरण्यकश्यप, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आने बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद मत करो ध्रुव जी बेटा, क्योंकि हिरण्यकश्यप कहते हैं अपना बेटा को मार डालो। घातक लोग बोले बेटा तो आपका ही है, मारने के लिए क्यों कहते हो? हिरण्यकश्यप बड़ा अच्छा बात वहां पर बताया, देखो ऋषि मुनि लोग रहते जंगल में, उनका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि किसको झूठ बात बोल नहीं सकते, किसके ऊपर क्रोध कर नहीं सकते, दूसरा आदमी है ही नहीं। शत्रु कौन है? शत्रु अपने अंदर रहने वाले इंद्रियां ही शत्रु है, तो अपने अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग तो इतना दुर्भाग्य है हम लोग का, हम बाहर की शत्रु को हर समय ध्यान लगा रहे कौन हमारे शत्रु है, लेकिन अपने अंदर रहने वाले शत्रु को झांक करके कभी देखते ही नहीं। झुकना चाहिए, झुको, झुक करके अपने अंदर को देखो। और जो शत्रु है, विशेष करके छह शत्रु है, कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसमें से पांच को लगा सकते भक्ति में,
काम को लगाओ, कामं तु दास्ये न तु काम काम्या। काम को अपने लिए कामना मत करो, ठाकुर जी के लिए कामना करो। काम लग गया सेवा में। क्रोध भक्त द्वेषी जने, हनुमंत जी ने क्रोध किया किसके ऊपर? विभीषण के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? लंका के ऊपर, लंका वासियों के ऊपर, जिन्होंने भगवान की विरोधी। और लोभ को कहां पर लगाना? साधु संगे हरि कथा। लोभ को कथा में बैठ करके सुनने के लिए लोभ को लगाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग किसमें लगता है? पैसा कमाई करने। हाँ, लोग बाकी सब लगा सकते, लेकिन मच्छरता ऐसा तो वस्तु है, वो शत्रु ऐसा है, उसको सेवा में लगा नहीं सकते। इसलिए पांच शत्रु तो कोई असुविधा नहीं। अगर मास्टर जो आ गया, मास्टर जो क्या है, मत सरती, मुझसे आगे चला गया, अरे पकड़ो उनको। नहीं, ये अगर स्वभाव हो गया, अगर अंदर में ये आ गया, समझ लो पतन होने का द्वार खुल गया। अभी सूरज कोई घड़ी दे सकती है? अभी ध्रुव जी को सुनीति बता रहे, बेटा ध्रुव तुम आराध्य पुरुषं, भगवान को भजन करो, सारी ठीक हो जाएगा। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वही बताते हैं, जितने सारी बीमारी एक ही मेडिसिन। एक चश्मा निकला था हमारे पूज्यवा दंडी महाराज जी थे, आंख का जो कोई बीमारी हो एक ही चश्मा देते थे, दूरदृष्टि हो इसका। तो एक आदमी ऐसा था, उनका नजर बड़ा खराब हो गया था, नजर खराब मतलब दृष्टि खराब, दृष्टि शक्ति खराब हो गया था। किसने उनके पास गया तो ने तीन चश्मा रखा था, पूछा कि भाई ये चश्मा किस लिए? मैंने बताया कि ये चश्मा इसलिए कि ये चश्मा को देखने से मुझे दूर वाला चीज को देखने के लिए मिल जाता है। बोले ये चश्मा किसके लिए? दूसरा वाला। बोले ये चश्मा लगाने से पास में रहने वाला व्यक्ति और वस्तु को मैं देख लेता हूँ। उन्होंने पूछा भाई फिर ये दूर को वस्तु देखने के लिए, पास वस्तु देखने के लिए, वो तीसरा चश्मा किस लिए रखा? ना तीसरा चश्मा इसलिए रखा कि वो लगाने से मुझे पता चलता है कौन सा चश्मा पास वाले वस्तु को देखने के लिए, कौन सा दूर वस्तु देखने के लिए। चलो देव जी, लेकिन बताते कि देखो माया, मैं जंगल में तो जाऊं, भगवान को भजन करूंगा, लेकिन विष्णु को भजन करने के लिए उन्होंने बताया, लेकिन हमारे अंदर कामना है, मैं कामना, राजगद्दी मुझे चाहिए, राज सिंहासन चाहिए, तो क्या विष्णु को भजन करने से सब मिलेगा? क्योंकि दुनिया में तो ये कहावत है, अगर कुछ सामान चाहिए तो किसके पास जाओ? शिव जी के पास जाओ। लेकिन धन चाहिए तो किसके पास जाओ? शिव जी के पास, नहीं लक्ष्मी के पास। तो मैं अलग दृष्टिकोण से बता रहा हूं, लोगों को कुछ भी चाहिए पहले किसके पास जाएंगे? शिव जी के पास। देखना जब इधर होती है ना, तो गंगा का पानी लाते हैं शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए, कितना कितना कावड़ यात्रा, कावड़ कावड़ी वाला, कावड़ क्या बोलते, कावड़ कावड़, हाँ ये वाले, देखना पूरा भीड़ लगता है। क्यों? क्या क्या कामना है? ठाकुर जी शिव जी अगर ये दे दोगे मैं ये कर दूंगा आपके लिए, एक बार जल ला करके आपके ऊपर डाल दूंगा, बस। शिव जी तो जल के लिए तरसते, ठीक है बेटा ले। सचमुच ऐसा है, लेकिन विष्णु के पास नहीं जाएंगे, चाहे वो लक्ष्मीपति है। ये कंगाल है, श्मशान में रहते हैं, शेर का चमड़ा पहनते हैं, सर्प की माला, हाँ जटाजु को धारण करके माला लेके भजन करते, उनके पास जाएंगे, मुझे दे दीजिए। और जिन्होंने लक्ष्मी की बेटा, लक्ष्मी के पति शिवजी, भगवान विष्णु है, उनके पास नहीं जाएंगे धन के लिए। लेकिन नहीं, ये करना चाहिए। अगर देखो तुम अगर केवल लक्ष्मी को चाहोगे तो लक्ष्मी के दो वाहन है, देखना, उल्लू, एक उल्लू और एक गरुड़ जी।
कोई अगर केवल लक्ष्मी को चाहते, लक्ष्मीपति नारायण को नहीं चाहते, तो वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है लक्ष्मी देवी। धन तो देंगी लेकिन उल्लू बना करके जाएंगे, वो बेचारा उल्लू बन जाएगा, क्या करेगा, वो धन को लेकर शराब पिएगा, उल्लू बनेगा तो, और सार को सार मान लेगा, उल्लू उल्लू बन जाएगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, मछली खाएगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद करेंगे, ये सब करेंगे, पैसा को सदुपयोग कर नहीं पाएंगे भगवान की सेवा में। और भागवत कथा हो रहा है, प्रभु जी को सेवा करोगे, 10 रुपया लो, घर में हम आप भरा है, देंगे नहीं, क्योंकि उल्लू बन गए ना लक्ष्मी को चाहते हुए, धन चाहिए धन चाहिए। लेकिन अगर ये लक्ष्मी को, अगर लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी को आपको चाहिए, भगवान भी चाहिए उसके साथ धन भी चाहिए, तब तो गरुड़ जी के ऊपर लक्ष्मी नारायण के साथ आएंगे। अगर वो धन आएंगे, वो भी धनी बनेंगे, लेकिन वो पैसा खर्च करेंगे तो कहाँ, भगवान की सेवा में, है ना। कोई अगर गाड़ी भी मांगे, कोई वैष्णव चाबी भी पकड़ा दे, लो महाराज जी, लो महाराज जी, भगवान की सेवा में लगेगा ना। धन तो वही है कि लक्ष्मी के, लक्ष्मीपति के, नारायण के साथ चाहिए, तो इसलिए केवल शंकर जी को तो धन मांगोगे ना, वो लक्ष्मी को देंगे लेकिन उल्लू के साथ देंगे, उल्लू बनाएंगे। लेकिन अगर विष्णु को मांगोगे तो खुद भी आएंगे, लक्ष्मी के भी लाएंगे। अन्य देवा देवी धन तो देते हैं, लेकिन विष्णु जो कुछ देंगे, अन्य देवा देवी क्या है, मांगोगे तो देंगे, बैल की तरह लेंगे और सोरस की तरह देंगे, लेकिन विष्णु के पास जाओ तो लेंगे सोरस की तरह और देंगे बैल की तरह। हमारे समझ में नहीं आता है कभी कभी, बैल की तरह देंगे, बहुत बड़ी चीज देंगे, लेंगे सोरस की तरह, क्या सोरस, सोरस क्या होता है, बच्चा, सरसों, सरसों, सरसों की तरह देंगे। कैसा, देखो रावण ने पूजन किया शिव जी को, कितना हजार साल तपस्या किया, एक एक मस्तक काट करके बलि चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, पूरा पूरा लंका को दिया, लेकिन विभीषण ने केवल भगवान की शरणापन्न हो गए, माथा भगवान की चरण में रख के प्रणाम कर दिए, राम जी ने पूरा लंका को दे दिया। जिन लंका को प्राप्ति करने के लिए रावण को 10 माथा को चढ़ाना पड़ा, वही विभीषण वही लंका को प्राप्त करने के लिए केवल एक सिर को झुकाया, बस मिल गया। और दूसरा, अन्य देवा देवियों को भजन करोगे, तुम्हारे चित्त का शुद्धता नहीं होगी, जो वस्तु मांगोगे वही मिल जाएगा, लेकिन भगवान को तुम भजन करोगे, जो वस्तु मांगोगे वही नहीं मिलेगा, तुमको जो चाहिए वही मिलेगा, और धीरे धीरे तुम्हारे चित्त शुद्ध हो जाएगा। एक भक्त थे, क्या नाम उनका, ब्रुकासुर, ये ब्रुकासुर हो गया, कथा भी महाराज बताएंगे। ब्रुकासुर शंकर जी को, उन्होंने शंकर जी को तपस्या करके जितना जल्दी वर प्राप्त किया, और ऐसा कोई वर प्राप्ति नहीं किया, लोग तो उसको ही देखते हैं, कौन कितना कैसा जल्दी कौन भजन मतलब वर देते हैं, और कौन कितना हार मेहनत करते हैं, उनको ही साधु मान लेते। कल मैं बता रहा था ना, हिरण्यकश्यप भी तो तपस्या किया, कैसा तपस्या किया, 60,000 साल दिमाग लग गए, बांबू की पेड़ हो गया शरीर में, साधु है ना। और वाल्मीकि जी दस्यु रत्नाकर थे, उन्होंने भी वही तपस्या किया, भजन किया, उन्होंने ब्रह्मा को किया, उन्होंने राम को किए, उनका दिमाग उनका ही शरीर में भी लग गया दस्यु रत्नाकर की। लेकिन जब वर प्राप्ति होने के बाद हिरण्यकश्यप का चित्त शोधन हुआ, तो चित्त शुद्धि हुआ,
सारी सुवर्ण में रहते हुए भी विष्णु के विरोधी बन गया, लेकिन उन्होंने विष्णु को पूजन किया, तपस्या किया। दशरथ नागर जी ने रामाय राम रामाय नमः, हरे राम राम राम, लेकिन उन्होंने जब चित्त शोधन हो गया तपस्या करने के बाद, बृकासुर भी भजन किया शिव जी को, लेकिन चित्त शोधन नहीं हुआ। 7 दिन में अपना मस्तक जो काटने, अपना शरीर को काट काट करके मांस डाल रहा था यज्ञ में हवन में, जब शिर को धड़ से अलग करने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा ये क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर तो कोई थोड़ा जल चढ़ा दे, कोई एक फल चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, पूरा शिर को क्यों चढ़ाते, बताओ क्या चाहिए। तो बोले कि मैं जिनके ऊपर हाथ रखूंगा वो मर जाना चाहिए। शंकर जी बोले ठीक है तथास्तु, और बोले फिर आपके सिर पे हाथ रखता हूँ। बोले क्यों, ये तुम्हारे पास पार्वती तुम्हारे क्या होगा, तुम तो बाबा लोग, मुझे मुझे चाहिए। ये भोग वृत्ति तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करने के बाद ये शिव भक्त ऐसा बनते, पूरा पूजन किए, शरीर को चढ़ाया, शिव जी प्रसन्न हुए, वर मांगा और सिर के ऊपर हाथ रखे शिव को खत्म करेंगे और खुद पार्वती को लेके भागेंगे, ये शिव भक्त। लेकिन कोई अगर भगवान को भजन करे, इसलिए आप लोग स्वेटर पहन ली, गर्मी हुआ तो पंखा कर रहे खुद को, हरे कृष्ण कर लेते बस हो गया, हो गया, क्योंकि शुद्ध भक्ति है, इसमें आपके चित्त को शोधन करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन विहार लाल की जय। ध्रुव जी तो पूछा कि मैं निष्काम नहीं हूँ, सकाम हूँ, वर मांगता हूँ, मुझे राज गद्दी चाहिए, भगवान पास जाने के बाद मुझे मिलेगा, तो सुनीति ने क्या जवाब दिए उसका जवाब बोलेंगे, लेकिन आज नहीं कल। तो बोले देखो ध्रुव जी बेटा, तुम्हारे कुल में ब्रह्मा जी भी इतना बड़ी पदवी प्राप्त किए भगवान को भजन करके, तुम्हारे पिता उत्तानपाद पिता मनु महाराज प्राप्त किए भगवान को भजन करके, उत्तानपाद भी राजगति मिला उत्तानपाद को भगवान को भजन करके, और तुम क्या सोचते हो भगवान को भजन करने से मिलेगा, नहीं जरूर मिलेगा। तो बोले माँ मैं जा करके तो भजन करूंगा, लेकिन यहाँ पर वन में चला जाऊंगा। हाँ ध्यान देके सुनिए, ए बच्चे सब क्या कर रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहार लाल की। टीवी में आओगे उसी तरह जय दो, बोलो वृंदावन बिहार लाल की। तब बोले माता मुझे ये बताइए, यहाँ पर मुझे दुख मिलता है तो आपकी अंचल के अंदर आ जाता हूँ, मुंह छिपा देता हूँ, आप आंसू पोछ देती हो तो हमारे दुख मिट जाता है, वन में जाऊँ भगवान को भजन करूँ, वहाँ पर अगर दुख मिलेगा तो किसके पास जाऊँगा, क्या भगवान मेरा आंसू पोछ देंगे, क्या भगवान मुझे अंचल के अंदर लेंगे, क्या भगवान मुझे गोद में उठाएंगे, आपके अंदर जो वात्सल्यता है ममता है वो भगवान के अंदर है। ये बात सुन करके सुनीति ने बताया, बेटा कि इतना तुम क्या बता रहे हो कि तथा सुवर्मो भगवान पिता महो, कि कहते हजार हजार एक माँ के अंदर जितना वात्सल्य है भगवान के अंदर करोड़ करोड़ माँ की वात्सल्यता केवल भगवान के अंदर है, और तुम केवल हमारे अंदर छोटी सी ममता को देखकर क्या बोल रहे हो, भगवान के अंदर तो
कोटि कोटि माँ के अंदर जितना ममता है उतना ममता भगवान में। अगर भक्त के ऊपर थोड़ा सा पत्ता गिर जाता है, भगवान के ऊपर पत्थर गिर जाता है। चक्षु को जैसा पलक सुरक्षा देती है, भगवान को भगवान ऐसा भक्त को सुरक्षा देते हैं। ध्रुव जंगल में जाओ, चिंता मत करो। ध्रुव जी चले गए, नारद जी मिले, मंत्र प्रदान किए, 6 महीना तक तपस्या किए, बड़ी सुंदर तपस्या की। और तपस्या इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए क्यों? वैकुंठ से इच्छा किए। क्या इच्छा किए? जितने सारी तपस्या कर रहे थे सबको तो भगवान दर्शन देने के लिए आते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद कहते, विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते, विदुर जी ध्रुव जी का दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए भगवान आ गए। भगवान के अंदर एक आकांक्षा आ गया, ये इच्छा प्रकट हो गई कि हाय छोटा सा नन्हा बच्चा क्या तपस्या करे मेरे लिए, उसको थोड़ा साक्षात रूप में देखना चाहिए, चलो ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए। गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके भगवान दर्शन करने के लिए आए, ना कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। और सचमुच ध्रुव जी भी ऐसा है, भगवान के स्वरूप को अंदर में रख करके जब दर्शन करे, अपना स्वरूप को दर्शन करते, अंदर भगवान के दर्शन करते, आंख खुलते ही नहीं। भगवान तो ध्रुव जी को दर्शन कर दिए, चल जाना चाहिए, लेकिन भगवान ने सोचा भाई आया तो मैंने दर्शन किया, उनको तो साक्षात रूप में मुझे दर्शन करना चाहिए, आंख खुलता ही नहीं। क्योंकि भगवान ने देखा ध्रुव जी तो अंदर अंदर ही दर्शन कर रहे, भगवान क्या किए, अंदर की भगवान के अपना स्वरूप को हटा दिए, ध्रुव जी तो आंख हड़बड़ा जा करके खुल गए। जब खुल गया सामने देखा अंदर में जो स्वरूप थे बाहर में वही स्वरूप खड़े। ध्रुव जी प्रणाम किए, कुछ बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए, तो भगवान कृपया कपोले, शंख को कपोल प्रदेश में स्पर्श कराया। ध्रुव जी के अंदर बड़ी ज्ञान उदय हो गया, बहुत सुंदर स्तुति किए, और वही स्तुति में कुछ नहीं मांगा उन्होंने, ना राज गद्दी मांगा, ना राज सिंहासन मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, उल्टा मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, सारी चीज भगवान की भक्ति की प्रार्थना की। लेकिन भगवान बोले देखो ये विचार है, ध्रुव जी जो मांगा भगवान वही नहीं दिया, देवता लोग को तुम जो मांगोगे वही दे देंगे। अंदर में जो कामना था भगवान बोले बेटा तुमने भक्ति तो सीखा, भक्ति किया, लेकिन कामना लेकर के इसको मैं पूरा करता हूं, तुमको राज गद्दी चाहिए, राज गद्दी मैं दूंगा। ध्रुव जी प्रार्थना किए, प्रभु जी कांच ढूंढ रहा था, मणि मिल गया, मुझे पता ही नहीं था, आप मिल गए, आपका दर्शन मिल गया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, 36,000 साल शासन करना पड़ेगा, नहीं चाहते। लेकिन ध्रुव जी को शासन करने के लिए 36,000 साल के लिए भेज दिए, क्योंकि इच्छा था। प्रार्थना किए जो चीज साथ साथ दी नहीं, बोले नहीं बाद में मिलेगा। और तुम्हारे ऊपर जिन्होंने ईर्ष्या किया, द्वेष किया, उनकी बेटा उत्तम को जक्षलों को मार डालेंगे। और तुम्हारे अंदर द्वेष करने वाला सपत्नी विमाता सुरुचि जंगल की आग में घुस करके मर जाएंगी, बेटा तुम्हारे जय जयकार हो, चलो। हाँ, और तुमको तुम्हारे माताजी मेरा भजन करने के लिए शिक्षा दिया, इसलिए तुमको और तुम्हारी माताजी हमारे लोक में आ जाओगे, ध्रुव लोक में दूंगा इसी जगत में, लेकिन गुण परमार्थिक जगत का होगा, आध्यात्मिक जगत का गुण, लेकिन रहेगा इसी जगत में, इसी जगत का लोग भी ध्रुव जी का लोक को दर्शन करेंगे। इसलिए देखना सुबह सुबह एक तारा दिखाई देते हैं जिनको कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव जी की तरह यदि व्याकुल निश्चय हो, प्रहलाद के तरह
यदि निश्चय हो सबरी की तरह यदि व्याकुल हो तब कृष्ण प्यारा मिलता है तब राम प्यारा मिलता है। ध्रुव जी को भगवान ने भक्ति दिया, 36,000 साल तपस्या किए, जो इच्छा किया था पूर्ण हो गया, उसके साथ साथ भी भक्ति प्रदान किए, जो बोला वो साथ साथ दिए नहीं। लेकिन देवता लोग को तुम जो इच्छा करोगे वो भी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो बोलोगे वही दे देंगे। वचन के ऊपर आधारित है, शशि में है। चलो ऐसे ध्रुव जी की बड़ी सुंदर कथा है, उसको अच्छी तरह व्याख्या किया जाए तो 3-4 दिन जरूर लगेगा, 2-2 घंटा अगर कथा हो। इतने सुंदर कथा, उनकी स्तुति कैसा मधुर है, एक एक श्लोक में बड़ी विचार है। तो हमारे मंदिर में अगर हम जब आएंगे 5-7 दिन तक कथा होगी, फिर ध्रुव जी कथा एक बार करेंगे। लेकिन बड़ा दुख की बात है, पंडाल लगता है तो आते हैं और शाम को कथा होती है बिल्कुल नहीं आते लोग, प्रसाद नहीं होता ना। ये माता जी लोग भी, तिलकधारी लोग भी नहीं आते, सब लोग जरूर आना, ठीक है। शाम को भाई दिन भर काम करो, रात को भी सो जाओ, शाम को तो 1 घंटे के लिए आ जाओ, आ नहीं सकते। महाराज जी बड़ी दुख की बात है। क्या दुख की बात, इतना जंजाल है ना, छोड़ के कैसे आए। जंजाल छोड़ो भाई, नहीं तो जंजाल तुमको नहीं छोड़ेगा। शाम को एटलीस्ट छोड़ दो 1 घंटा के लिए, आ जाओ। बोल वृंदावन बिहार लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ हरि बोल। 8 बज गया है, मैं थोड़ी सी कथा सुना देता हूँ, फिर प्रभु जी आपको बड़ा सुंदर भजन सुनाएंगे, ठीक है। देखो ये ध्रुव जी की चरित्र में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मैं केवल एक शिक्षा की बात बताऊंगा। जिस समय ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ से रथ आया, बोले ध्रुव जी रथ में बैठो और वैकुंठ में चलो, इतने में स्वयं काल भी उस समय आ गए। बोले आप कौन हो, बोले मैं काल हूं। सर को ऊपर में तैयार रख करके और उनने 100 शरीर में उन्हें वैकुंठ विजय किया। इतने में जब वैकुंठ जाने के लिए तैयारी हुए, इतने में मैया की बात याद आ गई। बोले मेरी मैया कहाँ है। बोले ये मैया को क्यों ढूंढ रहे हो। बोले आज जो मैंने भगवत प्राप्ति की है ये मात कृपा से है। अगर मैया अगर मेरे को ये भक्ति की पथ नहीं दिखाती, मैं कभी भी भक्ति कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो थी सुनीति, जो उत्तम नीति को जो है, जो उत्तम नीति को जो बताने वाली। इसलिए आज मेरे को भगवत प्राप्ति हुई, मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले देखो जो मैया ने तेरे को भक्ति की बात बताई, देखो ये आगे जो रथ है ना, ये रथ में तेरी मैया बैठी करके जा रही है, तुम उसको पीछे पीछे जा रहे हो, तुम आगे नहीं, मैया तुम्हारी आगे आगे जा रही है, उसको पीछे पीछे तुम जा रहे हो। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर बच्चे को हम भक्ति की मार्ग दिखाए। इसलिए भागवत में ये नरसिंह भगवान स्वयं कहते हैं, वंश में अगर एक बेटा अगर वैष्णव बने, भगवान की भक्ति अगर एक बेटा करे तो उसको कितना लाभ है। बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसती सधन्या नृत्यति स्वर्गे पितरी पितरसा जसाम कुले वैष्णव नाम धेयम। एक अगर वैष्णव पुत्र होनी चाहिए, देखो ये चीज को भी समझो, ऐसे नहीं दूसरा दिवस उनको भजन कर रहे हो, नहीं वैष्णव होनी चाहिए। इसलिए देखना ये धर्मशाला के ऊपर लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, श्री वैष्णव धर्मशाला, ये वैष्णव धर्मशाला है। मुझे लगता है यहाँ पर पहले कोई वैष्णव रहे होंगे, इसलिए इस धर्मशाला का नाम वैष्णव नाम लिखा हुआ।
इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय है। अगर हमें दीक्षा प्राप्त करना तो ऐसे नहीं मंत्र लेनी चाहिए जहां तहां लेकर के मंत्र ले लिया, बोले नहीं। ये पद्म पुराण कहता है जब तक किसी वैष्णव संप्रदाय में तुम अंतर्भुक्त नहीं होगे वो मंत्र लेने पर भी वो मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। ये पद्म पुराण कहता है संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। ये पद्म पुराण कहता है भक्ति करना तो वैष्णव संप्रदाय में ही मंत्र लेकर के भक्ति करना पड़ेगा, तभी तुमको निश्चित रूप में भगवत प्राप्ति होगा। अगर यहाँ और कहीं मंत्र लिया तो क्या तो मंत्र लेने पर निष्फल हो जाएगा, वो मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए पद्म पुराण में बताया जिस समय नारद इसी जगत में आए देखा तो बड़े बड़े साधु, लेकिन उन्होंने एक विषय पर दुखी हुए, यहाँ पर साधु तो है लेकिन वैष्णव संप्रदाय का कोई साधु नहीं, इसलिए नारद ही दुखी हो गए। प्रश्न है भैया ये वैष्णव संप्रदाय से क्यों लेनी चाहिए? भगवान खुद कहते हैं ये जो चार वैष्णव संप्रदाय ये मेरे से आया है। जैसे हमारी संप्रदाय में ये ब्रह्मात्म गौड़ीय संप्रदाय, ये संप्रदाय आया कहां से? भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये मंत्र प्रदान करते हैं, स्वयं ठाकुर जी मंत्र प्रदान किए, ब्रह्मा जी इसी मंत्र को प्राप्त करके उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी मंत्र किसको दिए? बोले नारद जी को दिए। फिर नारद किसको दिए? फिर उन्होंने श्री व्यास देव को दिए। फिर व्यास देव किसको मंत्र दिए? बोले मध्वाचार्य को दिए। फिर मध्वाचार्य बोले लक्ष्मीपत तीर्थ। फिर वही मंत्र धीरे धीरे से चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दिए, फिर वो जीव गोस्वामी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, फिर हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, फिर गुरुदेव, उसको बाद में ये मंत्र हमारे तक आया। ये मंत्र कहाँ से आई? बोले भगवान से। बोले कब से आए? बोले सत्ययुग से। ये संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय ये सत्ययुग से संप्रदाय है और ये डायरेक्ट भगवान से ही ये परंपरा रूप में ये मंत्र आया है। जो गोपाल मंत्र आप लोगों ने जो दीक्षा प्रभु जी बता रहे थे ना, जो दीक्षा है वही मंत्र को प्रदान करते हैं जो ठाकुर कृष्ण की मुंह से जो मंत्र निकली है। अगर वो मंत्र को कोई जप करेगा तो एक दिन निश्चित रूप में ठाकुर के पास में पहुंचेगा। शास्त्र गारंटी देता है, जैसे कोई एक मेन इंजीनियर है, अगर सोने की डिबा ही हो, अगर मेन इंजन में अगर जुड़ा नहीं हुआ हो ना, वो जहाँ के वहीं पर रह जाएगी। लेकिन कोई कोयला की अगर डिबा हो, अगर मेन इंजन को साथ में जुड़ जाए वो सही जगह पर पहुंच जाएगी। इसलिए ये जो धर्मशाला वैष्णव धर्मशाला, इसको देख करके हमें बड़े आनंद मिला। यहाँ पर कोई शुद्ध वैष्णव आए होंगे जो ये धर्मशाला बनाए, जिसका नाम उन्होंने वैष्णव धर्मशाला रखे। इसलिए वैष्णव कुल में अगर एक वैष्णव संतान जन्म हो तो क्या उस पर 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। जितने पूर्वज लोग पहले चले गए, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे, वो स्वर्ग में नाचना शुरू कर देते हैं। ओ भाग्य है हमारी वंश में एक वैष्णव पुत्र जन्म ग्रहण किया और वैष्णव संप्रदाय में ये कंठी जरूर होएगा, ये तिलक जरूर होएगा और जो माला जप करते हैं ना ये जरूर संप्रदाय में होएगा। इसलिए संत लोग उदाहरण देते हैं, जैसे आपको अमेरिका जाना, नहीं तो रशिया जाना, नहीं तो लंदन जाना, आपको पास में तीन चीज की जरूरत है। कितने चीज की? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा, तीसरा नंबर टिकट। अगर ये तीन चीज हो ना, साधारण किसी जगत में तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए तभी तुम विदेश जा सकते हो, तो नहीं जा सकते हो। कहते भैया ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कट्टी होनी चाहिए। इसलिए जब महाराज जब दूतों को कहते हैं जिनकी गले में तुलसी की कट्टी देखोगे प्रणाम कर लेना, समझना ये वैष्णव है, ये ठाकुर का आश्रय लिया, खबरदार उसको पास में फटकना नहीं, लेकिन डंडे पड़ेंगे तुम्हारी ऊपर में, क्योंकि जमदूत को
विष्णु दूत ने मार मार कर भगा दिया था। बोले खबरदार, जिसकी गले में तुलसी कटती है उसको भगवान की भक्त वैष्णव मान करके उसको प्रणाम करना। इसलिए कंठी क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारी पासपोर्ट। कहते भैया भीजा क्या है? बोले ये तिलक, ये भीजा। इसलिए देखना ठाकुर जी, आप और हमारी बात छोड़ दो, कहीं कृष्ण को देख लो, तिलक के बगैर भगवान कृष्ण कहीं है? बाकी भी आगे देखो, अब राम भगवान को देखो कितना बड़े तिलक है, और नारायण को देखोगे आधा मुंह तो उनका तिलक में भरा हुआ है। अब हनुमान जी को देखो तिलक है कि नहीं? इसलिए पहले हर हिंदू ये चीज को ग्रहण करते थे। हमारे देश में अभी एक नियम है, वो साथी से पहले गुरु जी को पास में उसको जाना पड़ता है। जब तक वो दीक्षा मंत्र नहीं लेगा वो साधी नहीं होगा, और गुरु जी को पास में जाएगा तो सबसे पहले गुरु जी उसको तुलसी की कंठी देंगे। बेटा जब तक तुलसी कंठी नहीं पहनते हो, जैसे ठाकुर जी को 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, भले ही ठाकुर जी को जितने भोग लगा लो अगर उसमें तुलसी दल नहीं देते हो ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह की जो शरीर है, बोले खिति जल पाप का गगन समीरा पंच रचित, ये अधम शरीरा, ये शरीर में केवल टाटी पेशाब खून पी और कुछ है ही नहीं। इसलिए आप सवेरे उठो, हमारे 9 दरवाजा है। कितना दरवाजा है? 9। कितना दरवाजा है? 9 दरवाजा। देखना उसमें बदबू ही बदबू, आंख में भी बदबू, नाक में भी बदबू, मुंह से भी बदबू, और नीचे से तो बदबू बदबू है। ये अधम शरीर है, लेकिन जैसे दाल भात सब्जी में तुलसी पत्ता देने पर ठाकुर जी की भोग लग जाता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गले में तुलसी कंठी धारण करते ही ये शरीर ठाकुर जी के बन जाता है, ठाकुर जी की समर्पित हो गया। आज से ये शरीर आपका नहीं रह गया, इसलिए जरूर ये वैष्णव संप्रदाय में जरूर गले में तुलसी कंठी। और हमारा देश में नियम है, जब घर में कोई लड़की शादी होकर के आएगी, वो दूसरी घर की लड़की है, उसको सबसे पहले गुरु जी को पास में ले जाएंगे। बोले गुरु जी पहले उसको शुद्ध बनाओ। गुरु जी शुद्ध कैसे बनाते हैं? पहले उसके गले में तुलसी कंठी डालेंगे और ठाकुर जी का नाम देंगे, हैं? देख कर उसको संस्कार करेंगे, फिर परिवार में उसके हाथ की पानी तभी पिएंगे, नहीं तो दूसरी घर की लड़की का हाथ में पानी नहीं पिएंगे। ये हमारी ये संप्रदाय हिंदुओं का ये धर्म है। कंठी माला तिलक जनेऊ ये हमारी हिंदुओं का ये परंपरा है, लेकिन ये कलयुग होने का नाते धीरे 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 ये सारी चीज खत्म होती जा रही है, सारे चीज खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए भीजा क्या है? बोले ये तिलक भीजा है। बोले भैया टिकट क्या है? बताओ टिकट क्या है? भगवान की माला। ये जो माला है ये टिकट है, हैं? भले ही जीवन में तुम जो कुछ करना कर लो, जिसको पूजना पूज लो, जो कुछ करना कर लो, जिंदगी भर करो, लेकिन अंतिम समय आएगा तो जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम नाम सत्य है भैया, यही बोल सबके सब यही बोलेंगे भैया, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। जो कुछ किया ना ठाकुर के भजन के सिवाय सब झूठे में तुमने बिताया, एक सुई धागा भी साथ में तुम्हारी नहीं जा रही है। इसलिए विरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ये बताओ अभी ध्रुव जी को ये कब आए? ये सत्य युग में आए, करोड़ों साल पहले आए भैया। अभी उसका सारा दुनिया उसका क्यों नाम ले रहे? हमारे पिताजी के पिताजी की माँ की माँ का नाम कोई ले रहे? कोई पूजा करता है? बल्कि इनके नाम क्यों जगत में पूजा हो रही है? कारण है इन्होंने भगवान की भजन किया। लेकिन अभी का जो लड़का लड़की है ना, जानते हो इनके मन में क्या भावना है? हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने से, अभी जितने लड़का लड़की है ना यंग समाज, हाँ ये सबके सब सोच रहे बॉलीवुड में हम हीरो हीरोइन बनेंगे। भैया 10 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी श्रीदेवी का नाम सुनेंगे सबके सब, वो बाथरूम में पड़कर मर गई, वो बाथरूम में खत्म हो गई। इसलिए तब तक इनका नाम रहेगा भैया, 2-3 बाद में सारे नाम मिट जाएगी। लेकिन ध्रुव जी का नाम मिटा करोड़ों साल से, तुलसीदास जी का नाम मिटा, प्रहलाद का नाम मिटा,
मीराबाई के नाम मिटी, नरसिंह भक्त का नाम मिटा नहीं। अगर हीरो बनना ना, अगर हीरो बनना का इच्छा है, भगवान की भक्त बन करके हीरो बनो। अगर एक बार प्रभु की भक्त बन करके हीरो बन गए ना, फिर ना जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी नाम होते रहेगा, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। इसलिए बॉलीवुड में हीरो हीरोइन नहीं, ठाकुर के चरण में हीरो हीरो बन, ठीक है। इसलिए कहते हैं वंश में अगर एक वैष्णव संतान जन्म ले, बोले उसको सारे पूर्वज लोग भी हाथ उठा उठा करके नाचने लग जाते हैं। जो पिता माता ने वो बच्चों को जन्म दिया, उनको भी गर्भ धारणा सार्थक तो हो जाती है। जिस पृथ्वी को ऊपर जन्म लिया, ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य धन्य मानती है, मेरी अहोभाग्य है एक वैष्णव संतान जन्म लिया। जब वो हाथ उठा करके नृत्य करता है, स्वर्ग में देवताओं को कल्याण होता है। जब उसकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती, और जितने दूर तक उनको दृष्टि जाए सारे अमंगल दूर हो जाता है एक वैष्णव जन्म ग्रहण करेगा तो। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देती है, बच्चों को अगर सही मार्ग दिखाना तो बच्चों को भजन की बात बताओ। क्या बोलो? बच्चे को भगवान की भक्ति की बात बताओ। कम से कम घर में ये नियम रखो, यहाँ से यही चीज लेकर के जाओ। बच्चा जब स्कूल जाएगा, बोले बेटा एक तो माला जप करके जा, एक माला जप करके जा। कोई कोई पिता माता कहते बच्चे भी बात नहीं सुनते, तो बच्चे बात नहीं सुनते। अब ये बताओ जब पेपर आता है बच्चों का, तुमको बोलते कि नहीं पढ़ने के लिए, उसको बोलते कि नहीं जोर जबरदस्त बेटा पेपर आ रहे हैं पढ़ो पढ़ो, जोर करते कि नहीं, स्कूल जाने के लिए जोर लगाते कि नहीं। जब उसी के लिए लगाते हो, अरे बच्चे को नहीं बोल सकते हो बेटा तू एक माला जप करके जा, बोल सकते कि नहीं। इसलिए घर में ये पक्के नियम बनाओ, बेटा घर से जाने से पहले उसको एक माला जप करा के छोड़ेंगे, जिसको ऊपर में संस्कार पड़ेगा। अगर बेटा अगर भजन किया तब तुम्हारी इतना लाभ है, अगर भजन नहीं किया, मैंने पहले सुनाया ना, एक समय कोई एक जोगी, इसको ध्यान देकर सुना, इतनी सी बात लेकर के जाओ। एक जोगी पहुंचा स्वर्ग में, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में पहुंचा, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया चामर भजन कर रही थी, लेकिन वहां बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। जोगी ने कहा भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, और स्वर्ग में तुम्हारी इतने सेवा हो रही है, पर यहाँ पर रो रहे हैं क्यों? बोले मेरे से की गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने बहुत पैसा कमाया, उसको दान दक्षिणा भी दिया, लेकिन मैंने बच्चों को भक्ति के मार्ग नहीं दिखाया। चूंकि मैंने जो पैसा छोड़ करके आया, उसी पैसा से बच्चे शराब पी रहे हैं, उससे सिगरेट फूंक रहे हैं, उससे मांस मछली खा रहे हैं। पैसा चूंकि मैंने छोड़ करके आया था, वो पैसा मेरा कमाया हुआ, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। अगर हमने पैसा कमा करके गए, बच्चे अगर पैसा को असत कारण में लगाया, तब उसका पाप स्वर्ग में जाने पर भी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर बच्चे को प्रभु की भक्ति मार्ग में लगाओगे, जैसे ध्रुव प्रहलाद भजन किया, इसलिए जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को बोले बेटा वर मांगो, बोले मेरे पिताजी को उद्धार कर दो, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले तेरे पिताजी का नाम क्यों कह रहे हो? तेरे 21वीं पीढ़ी से उद्धार हो गए क्यों? तेरे जैसे बच्चा जिस कुल में जन्म लिया उसको तो अहो भाग्य है, ठीक है ना। क्या करना? हर बच्चों को ये शिक्षा देना, बेटा कम से कम एक माला जप करो, नहीं तो थोड़ी सी रामायण पढ़ो, नहीं तो गीता का कोई एक श्लोक पढ़ो। जब उसको हमें इतने सारे शिक्षा दे सकते हैं, उसको इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, सीए बना सकते हैं, इतना कष्ट करके अगर उसको बाद में ये लिखाई पढ़ाई सीखी करके पिता माता की सेवा ही नहीं करे। हमने जो पैसा क्यों कमा रहे हैं? बच्चे की अच्छे के लिए पैसा कमाते हैं, बच्चे के लिए कमाते ना पैसा। अगर वही बच्चा ही अगर हमारा बात नहीं सुने, नास्तिक बन जाए, फिर तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पैसा कमाना सबके सब बेकार हो गया तुम्हारी सबके सब। इसलिए अगर बच्चे का सेवा चाहते हैं, बच्चे हमें माने, बच्चे की संस्कार बने, पिता माता बच्चे की सेवा, पिता माता की बच्चे सेवा करे,
उसको बचपन से ही उसको क्या करो, भगवान की भक्ति में डालो, एक माला जप कराओ, गीता रामायण पढ़ाओ, फिर बच्चा अच्छा बनेगा, ठीक है ना। अब जिस समय श्री ध्रुव महाराज जी वैकुंठ का विजय कर रहे थे, उसी समय में नारद जी वीणा बजा बजा करके हाथ उठा उठा करके नृत्य कर रहे थे। बोले क्यों, कारण किया, बोले कारण है आज मैंने ऐसे एक चेला बनाया, मैंने ऐसे एक शिष्य बनाया जो शिष्य मेरे माध्यम से गोलोक वैकुंठ जा रहे, गोलोक वैकुंठ जा रहे हैं। जिसका तात्पर्य है, गुरुदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं, जब हम शुद्ध रूप में भक्ति करके जब हम ठाकुर जी को पास में जाएंगे ना, गुरुदेव हमसे यही चीज चाहते हैं, गुरुदेव हमसे और कोई चीज नहीं चाहते हैं, निष्कपट होकर के ठाकुर की भक्ति करो और भगवान के पास में अपना घर में चले जाओ, जहां जाने से जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के परम शांति को तुम प्राप्त करोगे। गुरु जी केवल हमसे यही चीज चाहते हैं। जो शिष्य एक चीज को, यही चीज को पूरी कर देगा, गुरु जी समझते भैया हमें इसे मंत्र देना और इसको भक्ति मार्ग में चलाना, हमारा जीवन धन्य हो गया। इसलिए गुरु जी हमें यही चीज चाहते हैं, ठीक है। और दो मिनट लूंगा क्योंकि भागवत का सार बोलना है। इसलिए आप लोगों को हर साल सुनाता हूं, जिस समय श्री परीक्षित महाराज राज्यों को कर रहे थे, एक दिन उन्होंने देखा जगत में बड़े अनहोनी सा दिख रहा है। तब परीक्षित महाराज देखने के लिए गए, उन्होंने क्या देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल का तीन प्यार नहीं, वो एक प्यार में खड़ा हुआ और वो एक प्यार को भी एक काले लंबे चौड़े एक व्यक्ति वो एक प्यार को भी तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो बैल विष्ठा और मूत्र को विसर्जन करते हुए वो भी बड़े जोर जोर से रो रहा था। परीक्षित महाराज तो मैं से तलवार को निकाले झपट बड़े, बोले बता तू कौन है, बोले ये कली है, बोले ये बैल कौन है, बोले ये धर्म है, बोले इसके तीन प्यार कहाँ गया, बोले सत्य त्रेतया द्वापर कल द्वापर ये तीन युग बीत चुका है, धर्म का चार चरण अभी तीन चरण समाप्त हो गया, बोले ये तू कौन, बोले कली, बोले ये एक प्यार को क्यों तोड़ रहे हो, बोले कली युग में मैं चाहता हूं धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहे, चार तरफ में कली कली का राज्य तो हो, बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक तेरा कोई प्रवेश नहीं, बोले सबको जब स्थान दिया मुझे भी स्थान दे दो। तब परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कलियुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन देखा कलियुग में एक गुण है, बोले क्या गुण है, बोले कलियुग के कलियुग के इसलिए कलयुग में ये दवा है, कलयुग में ये दवा है। अगर कुछ किसी अच्छे डॉक्टर को पास में जाओ, कोई बीमारी लेकर के, वो अगर हमारी बीमारी सही करना चाहता है ना, सबसे पहले पथ्य का नाम बताएगा, बोले बेटा दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, अगर तुम परहेज को साथ में दवा लोगे जल्दी जल्दी तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। बोले भैया परहेज किया, बोले दवा किया,
बोले दवा ठाकुर का नाम मिठी दवा है। बोले परहेज किया, बोले परहेज चार चीजें, पहला नंबर परहेज है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण है ये सत्य समाप्त हो जाएगी। दूसरा नंबर पानम, किसी तरह का नशीली वस्तु हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटका। अब ये गुटका बहुत तेज चल रहा है, इसलिए गुटका का पहला अक्षर क्या बताओ तो बताओ। गुटका का पहला अक्षर क्या है? जोर से बोलो। इसलिए गुटका की ये गु है, इसलिए ये गुटका खाने से कैंसर हो रहा है। जिसने ये गुटका की फैक्ट्री खोली वो स्वयं कैंसर में मरा और सारा दुनिया को कैंसर में मरवा कर लिया। इसलिए गुटका गुटका नहीं खानी चाहिए। लेकिन आप लोग तो इस सब चीज को नहीं लेते हो, लेकिन एक चीज ले रहे हो, चाय। क्या ले रहे हो? चाय ले रहे हो। इसलिए सवेरे उठते ही कहा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सवेरे उठते ही हम चाय 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 शुरू करते हैं। सवेरे उठ करके बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जोर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे चाय में क्या दोष है? देखो इसीलिए ये चीज को हम बार-बार बोलते हैं। अगर ये चार नियम को पालन करके भक्ति करोगे ना, तब जल्दी जल्दी तुम्हें भक्ति के असर पड़ेगा, नहीं तो असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बात को हर साल एक बार सुनाते हैं, हैं? सुनाते इसलिए एक बार सुनाते हैं। इसलिए चाय पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन एक दोष है उसमें जो निकोटीन और उसमें जो कैफीन डालते हैं उसमें दोष है। जैसे एक शराबी जब ये शराब पीने का समय आएगा, अगर वो नहीं पिएगा ना तो उसको शरीर में घबराहट होता है, कब पिए फिर उसको चैन मिलती है। उसी तरह जो चाय पीते हो, देखना चाय पीने का समय आ जाए, अगर चाय नहीं पिए तो क्या होगा बताओ? सिर में दर्द, सर में दर्द हो जाता है। क्यों? उसमें कैफीन और निकोटीन। पहले भारत का लोग कोई भी चाय नहीं पीते थे, भारत में चाय थी नहीं। ये अंग्रेजियों ने अपना बिजनेस को बनाने के लिए हैं, पहले क्या किया, ये चौराहा पर स्वयं चाय बना करके वो खुद बोलते थे 50 साल से ज्यादा उम्र वाले चाय पियो, उनका स्वयं ये वाणी है, 50 साल से नीचे कोई मत पियो, उसको ऊपर का व्यक्ति इसको पीना, और स्वयं बना बना करके पिलाना शुरू किया। और क्या बोले, जो चाय एक कप पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। हमने तो बेकूफ बन गए, बोले एक रुपया और एक कप चाय, बोले पियो। कुछ दिन बाद में बोले नहीं, फिर तुमको 50 पैसा मिलेगा। बोले एक कप चाय एक 50 पैसा, बोले लो 50 पैसा ले और एक कप चाय पी। कुछ दिन बाद में बोले नहीं 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले कुछ नहीं पैसा मिलेगा, तो बोले चाय मिलेगा, बोले पियो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा उल्टा देना पड़ेगा। लेकिन पी पी करके हमारा नशा हो गया ना, नशा हो गई, 25 पैसा लो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले एक रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले किस दिन बाद में बोले 5 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। अभी 10 रुपये हो गए। इतनी सी चाय और हमसे ठग करके वो 10 रुपया ले रहे हैं, इतनी सी चाय और वो हमें जहर पिला करके। लेकिन हम क्या कहते हैं, सवेरे अगर एक कप चाय पी लो ना, दिन भर चिंता ही नहीं। इतनी सी चाय से हम पेट भरती हैं, वो चाय नहीं पिया हमने, जहर पी लिया, 20 पी करके जहर पी करके हमारी जो भूख थी ना वो खत्म कर दिया। अरे भूख लग रहा है, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दूध दही खाने के लिए फल मूल खाओ, जहर पी करके भूख क्यों खत्म करोगे? ये नशीली वस्तु है। इसलिए हमारे प्रभुपाद को
जो गौड़ीय मठ सबसे पहले स्थापन किया, किसने कहा? प्रभुपाद जी, अगर ये दो चीज अगर आप छूट दे दोगे ना, ये विश्व ब्रह्मांड आपके शिष्य बन जाएंगे। बोले दो चीज किया, बोले चाय और ये बीड़ी, बीड़ी और चाय सिगरेट, ये दो चीज को अगर आप छूट दे दोगे ना, ये विश्व ब्रह्मांड आपकी शिष्य बन जाएगा। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले भैया हमें हजार तारों की जरूरत नहीं, हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, जो एक चंद्रमा विश्व ब्रह्मांड को एकदम आलोक कर देता है। लेकिन हजार तारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कहते थे एक व्यक्ति अगर शुद्ध रूप में भक्ति करेगा, ये कली चीज को छोड़ करके एक व्यक्ति ही भगवत धाम पर चले जाए। देखो हम लोग तो भारत के लोग, तो भाई यहाँ दो अंग्रेजी बैठी ना, देखो दो लड़की बैठी हुई, देखो हरे कृष्ण का क्या स्टैंड अप, क्या स्टैंड अप, देखो ये लड़की को देखो, ये रसिया से आई, अब आप लोग देख लो, ये रसिया से आई हुई, आप सोच नहीं सकते, ये लोग पहले इतने इतने गंदी गंदी चीज लिया करते थे, जानते हो कौन सा ठंडी देश, ये ठंडी देश, इनके देश में ठंडा कितना जानते हो, मैं जाता हूँ कहीं तो -50 -30 -30 -20 माइनस, मतलब इतने ऊंचाई बर्फ जमा हुआ हो, इतने ऊंचा बर्फ है। लेकिन हम लोग कहते हैं ना भाई ठंडा पड़ रहा है, एक कप चाय पी लो, लेकिन ये -30, -50, -30 देश में रहते हैं रसिया के, लेकिन चाय नहीं पीते, ये गंदी चीज को छोड़े। पहले ये लोग सब कुछ खाते पीते, ऐसे कोई चीज नहीं ये लोग नहीं किया, लेकिन जब भक्ति जगत में आए इन लोगों ने सारे चीज को छोड़े। लेकिन इनकी हेल्थ देखो कैसे, कोई कोई कहते ना अगर नहीं खाएंगे पिएंगे तो कमजोर नहीं हो जाएगी, इनकी हेल्थ देखो, इनके जैसे तुम्हारे कोई पिता है, हेल्थ है देखो। इसलिए आप लोग कोशिश करना धीरे 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 ये चीज को छोड़ने के लिए, ठीक है ना, धीरे धीरे चीज को छोड़ करके भक्ति करो, तो सही सही भक्ति करो, प्योर भक्ति करो। जो वैष्णव धर्म है ना, ये सत्य युग से ये धर्म आया है, ये कलयुग किस नहीं, ये सत्य युग से धर्म आया। अगर ये चीज को पालन करोगे, चार चीज को पालन करोगे, केवल थोड़ी सी हरिनाम करो, शास्त्र कहता है अंतिम समय में तुम निश्चित रूप में ठाकुर जी की पास में पहुंच जाओगे, गोलोक वृंदावन पहुंच जाओगे। अगर ये चीज को लोगे, ये जो हरिनाम ये दबा है ना, ये असर नहीं करेगा। क्यों? तुम उसका परहेज नहीं कर रहे, पत्थर नहीं खा रहे हो, केवल तुम खा रहे हो, केवल तुम दबा ले रहे हो, परहेज नहीं करते हो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर तपस्या नष्ट हो जाती है। जो तीसरा जो स्थान है स्त्रीय, स्त्रीय का मतलब है संसार करो, स्त्रियों में कली का निवास है। बोले भैया कौन सा कली का, कौन सा स्त्रियों को ऊपर में, कहते संसार करो, अपना शादी करके पति पत्नी दोनों सही गृहस्थ धर्म को पालन करो, सही सही रूप में संसार करो, लेकिन शादी करके पति पत्नी मिलकर के संसार करो। ऐसे नहीं शादी के बगैर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे, नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया है। शास्त्र कहता है संसार करो, पति पत्नी शादी करके धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ बनाओ। बगैर पति के अगर हम किसी दूसरे पुरुष से मिलते हैं, कोई पुरुष भी बगैर शादी के किसी दूसरे स्त्री से मिलते हैं, ये पाप का तीसरा नंबर है, जहां पर पवित्रता नष्ट हो जाती है और जिनको नरक भोग करना पड़ता है। भागवत में पंचम स्कंध में ये बात को नरक की कथा आई है, वो नरक भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म पूर्वक अपना पहले जैसे परंपरा चलते हुए आ रही, उसी परंपरा से चलो है। और जो चौथा जो नंबर है जीव हिंसा, ये सबसे ज्यादा बड़ा पाप बताया। जीव हिंसा मतलब होता है मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना और ये प्याज लहसुन खाना है। इसलिए ये चीज को प्याज लहसुन के बारे में और इतने में बताऊंगा, लेकिन अंडा भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। अभी धीरे 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 ये कहीं ये चीज नहीं चलती थी, कहीं नहीं, अभी धीरे 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 हमारे घर में धीरे धीरे आने लग गई। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया,
धृतराष्ट्र गांधारी कृष्ण के पास में गए, बोले जिंदा रहते रहते हमें क्यों 100 पुत्र का क्यों मृत्यु देखना पड़ा। कृष्ण उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए, तुमने कभी जंगल में घूमने गया था, बड़े भूख लगा तो तुमने 100 अंडा किसी पेड़ के ऊपर चढ़कर खाया और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, इसलिए तुमने एक एक बच्चे को तुमने खाए है, इसलिए इसी जीवन में तेरे को 100 बेटों का मृत्यु तुमने देखना पड़ा। कि कृष्ण खुद कहते हैं इसलिए हमें ये सब चीजों से दूर रह करके शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करते हुए अगर करेंगे इसी जीवन में ही क्या होगा, हम सिद्धार्थ ठाकुर जी के पास में पहुंच जाएंगे, ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल में मुक्ति मिल जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राम। देखो कल है कथा की चौथा दिन है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। इसलिए जब मैया यशोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रजवासी थे वो 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा बना करके रखी और चुंदरी बना करके और अलंकार बना करके रखी, बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके हम बधाई देने जाएंगे। बड़ो तो वासी सब गोपियां ही, आप सब ब्रजवासी हो, सचमुच से आप ही ब्रजवासी, ये मत समझो ब्रज में जन्म लेने पर कोई ब्रजवासी वाले नहीं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वही ब्रजवासी, आप कहीं भी रहो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिसकी घर में कीर्तन कथा पूजा पाठ वही वृंदावन, वही वृंदावन। इसलिए आप लोग सब वृंदावन में रहते हो हैं, आप लोग सब ब्रजवासी हो, इसलिए कल बड़े सुंदर सुंदर लहंगा चुनरी, जो शादी का समय का जितने कपड़े आप बक्सर में रखकर से खराब हो रहा है, इसलिए कल निकालना जरूरी है, ठीक है ना। जो सबसे बढ़िया बढ़िया साड़ी चुनरी निकाल करके और सज धज करके जैसे ब्रज की गोपियां हैं कृष्ण को बधाई देने के लिए आई थी, आप लोग भी भगवान को बधाई देने के लिए आना, ठीक है। और कौन सा रंग के पहन करके आओगे, पीले रंग के, ठीक है पीले रंग के, अगर पीले रंग नहीं हो ना भले ही किससे उधार करके पहनना, लेकिन पहनना पीला। और दूसरी बात है जैसे मैंने कह दिया भैया पीला रंग के पहन करके आना, अगर घर में पीला रंग की कपड़ा नहीं हो साड़ी नहीं हो फिर भैया लोगों को परेशान नहीं करना, बोले बाबा ने बताया पीला रंग होनी चाहिए मार्केट से घर भी करके लाओ, नहीं। इसलिए घर में जो होगा बढ़िया कपड़ा होगा पहन करके आना, अगर पीला हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए कल हम बड़े धूमधाम से यहाँ पर भगवान की जन्म महोत्सव मनाएंगे और ये जो कथा है ना सब आप लोगों की कथा है, आप लोग ही कर रहे हो। इसलिए जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हो, हम क्या करते हैं बच्चे का बर्थडे में कितना बड़े धूमधाम से सारे परिवार को बुलाते हैं, बड़े सुंदर उत्सव करते हैं, हैं? इसलिए कृष्ण कौन है, विश्व ब्रह्मांड का संतान है कृष्ण, हमारी असली जो संतान है ये भगवान कृष्ण, वो तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, असली हमारी पिता माता कृष्ण, बच्चा असली है, हैं? देखो ये वृंदावन की सच घटना है, एक माता जी को कोई संतान नहीं थी, उसने किसी साधु को पास में गए, बोले बाबा मेरे तो कोई संतान नहीं है, बोले क्यों संतान नहीं, तब उन्होंने बाल गोपाल जी को दिया, ठाकुर जी को उनको दिया, देखो जो एनर्जी तुम्हें बच्चे को प्रति देना चाहिए था वो एनर्जी तुम ठाकुर जी को सेवा में लगाओ। उसने गोपाल जी को अपना बेटा मान करके जिंदगी भर उसने उसकी सेवा की, जिंदगी भर उसको सेवा की, तन मन धन ठाकुर जी की सेवा में लगा दी। लेकिन वो हो गई वृद्धा, जब वृद्धा हो गई अब उसकी सेवा कौन करेगा, उनको सेवा कौन करेगा, कृष्ण स्वयं उनको सेवा करते थे, कुएं से पानी भर के लाते थे, मार्केटिंग करते थे, खाना बना करके माता जी को खिलाया करते थे, कृष्ण स्वयं करते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो जिंदगी भर ठाकुर को सेवा करेगा जब वृद्ध हो जाओगे कृष्ण तुम्हारी सेवा करेगा। इसलिए अगर ठाकुर जी को अगर अपना संतान मानते हैं, ठाकुर को सेवा पूजा करोगे ना, भगवान के अंगुल कट गया, द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, ठाकुर जी सोच रहे हैं इसकी रीढ़ी में कब चुकाऊं,
इसका ऋणी मैं कब चुकाऊं, कब फुर्सत मिले मेरे को, मौका मिले इसकी मैं ऋणी चुकाऊं। इसलिए भरी सभा में जो लाद जा रही थी, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन करके आए, स्वयं वस्त्र बन करके आए। लेकिन ये दुनिया में जानते हो क्या है, बोले कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, बोले तब तक, बोले जब तक तेरे जेब में पैसा हो तब तक बोले कि तुम कैसे हो, पैसा धन, बोले आप नहीं तुम कौन हो, तुम कौन हो। इसलिए दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। हम सोचते हैं शायद दूसरे की सेवा करते करते हम उसको खुश कर देंगे, यही तो कोशिश करते हैं ना। अभी तक हम सबको सेवा कर रहे हैं, पति की, बेटा की, बेटी की, पत्नी की, अभी तक संसार में हमारे ऊपर में कोई खुश हुए है? आप बताओ संसार में अभी तक हमारे ऊपर कोई खुश हुए है? किसी को खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसे एक व्यक्ति है, इतने करो ना वो हमारा भी इतना करेंगे। सुदामा दो मुठी चिड़वा दिया ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी देंगे। इसलिए कल भगवान जन्म लेंगे, इसलिए अपना घर से कुछ टफी लेकर के आना, नहीं तो कोई लुटाने वाले कोई खिलौना लेकर के आना, ठीक है ना। जो कुछ तुम्हारे घर में हो थोड़ी सी ठाकुर जी की नंद उत्सव में जो लुटाया जाता है उसको लेकर के आना, और बड़े धूमधाम से कल हम लोग नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री हरि। अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, हैं भजन गा कर ये सुनाएंगे, उससे पहले कुछ सुन हरे कृष्णा। आज का जो भंडारा प्रसाद है, आज का भंडारा प्रसाद गुराना रोड से आया है और मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, इसका उनके प्रार्थना है उनके परिवार के लोग हैं कि यहाँ पर आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वाद लें। पप्पू वर्मा और गौरव वर्मा गुराना रोड पे उनका निवास स्थान है, कृपा वो आगे आ जाए कहीं बैठे हो तो, और गुरु जी से आशीर्वाद लें। हरे कृष्ण। ठाकुर जी इनको ऊपर आशीर्वाद करें, सब इनके जो फैमिली है ना, जो परिवार वाले हैं वो भी आ जाए। ठाकुर जी परिवार को ऊपर आशीर्वाद दे, खूब फलते फूलते रहे, और ऐसे ही साधु संतों की सेवा, सब भक्तों का सेवा करे, और इनको संसार में शांति सुख हो। आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, आ जाओ। देखो अब इनके लिए, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इनके देखो इन्होंने जो भंडारा दिया है ना, इनको किसी ने कहा नहीं, ना हमने कहा ना किसी ने कहा, इंसान को अपने आप ही आए यहाँ पर धर्मशाला में और हमें कहा कि आज का भंडारा हम देना चाहते हैं। ठाकुर जी ने जो है ना कितनी प्रेरणा दी, अपने आप आए बोल देंगे। अब ठाकुर जी का जो आरती होगी ना, भागवत की आरती करना नहीं पड़ता। अभी हमारे श्याम प्रभु जो भजन गाएंगे ना, सभी माता बहनों भाइयों से प्रार्थना है कि वो बैठ करके भजन सुने, और जिसको अनुरोध करना है वो आगे आके मदद करें। पुनर्वृंदावन बिहारी नाम की जय। जय श्री राम। देखिए अभी अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी कभी अभी सुना, अभी भी लोग आ रहे हैं, उनको मेरा यहाँ से प्रणाम, क्योंकि इन लोगों ने ही भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। भारतीय संस्कृति जो है, हम लोगों को पता है 5 बजे का बोलो तो 8 बजे जाएगा, है ना? तो ये इन लोगों ने ही भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है, क्योंकि आज जो लोग लास्ट में आते हैं, क्योंकि इनको पता है वोल्टेज सेंटर में जो हमला हुआ था उसमें पहले जो लोग गए थे कोई नहीं बची, जो पीछे गए थे वो लोग बच गए, है ना? तो इसलिए ये लोग दूरदर्शी है, इसलिए लाभ में आते हैं। कथा 5 बजे शुरू होती है, लेकिन आते कब है? बिल्कुल 8 बजे। तो इसलिए इनको मेरा प्रणाम है। और अच्छा मैं जब गाता हूं, मैं देख रहा हूं 2 दिन से कुछ मता है, बोलती है कुछ नहीं बोलती है, इसके मतलब क्या है मुझे पता है, क्या पता है? क्योंकि पुराने जमाने के जो माता जी होते हैं वो अभी भी पति का नाम नहीं लेती, लेती है क्या? पुराने जमाने के जो है,
लेती है नहीं लेती है। तो आजकल पुराने जमाने के माता जी कैसे बुलाती है अपने पति को? हाँ जी सुनते हो जी, सुनो सर पुराने जमाने में। लेकिन आजकल आजकल जो कैसे बुलाती है, जैसे आपसे मुन्ना के बुला रही है, बड़े बड़े शहर में देखा जाता है अपने पति को ऐसे बुलाती है जैसे अपने मुन्ने को बुला रही है। तो क्या हुआ, अब एक जगह पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, वो कीर्तन किया था, सुनिए थोड़ा दोबारा, अभी थोड़ा बैठ जाए दो मिनट। तो कीर्तन करा रहे थे, वो कीर्तन किया था, देखिए रोज यही कीर्तन करा रहे। हर काली अमर दन कंस जिगर दन देव की नंदन तब सजन, काली अमर दन कंस जिगर दन देव की नंदन तब सजन। अब ये कीर्तन रोज पंडित जी गवाते हैं। अब सामने एक माता जी बैठी थी बड़े साज जानकर के, अब माता जी बैठी थी, जैसे ही देवकी नंदन नाम आए कीर्तन में, वो ताल बिगड़ दे, सुर बिगड़ दे, लय बिगड़ दे, क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन, इसलिए पति का नाम ले तो ले कैसे ले नहीं सकते। अब पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, काली अमर दन बिगाड़ दे। तो पंडित जी ने खटकरा लगाया, जाओ तो पीछे जाकर बैठो, रोज आकर के ताल बिगाड़ देती हो, सुर बिगाड़ देती हो। तो माता जी गुस्सा करके अपने घर चली गई, और घर जाकर के ये सब किया, पंडित जी हमें खटकरा लगा, बड़ी बड़ा दुख हुआ। अब रिहर्सल कर रहे हैं घर पे, क्योंकि कथा में जाना है, नहीं तो कथा छूट जाएगा, इसलिए वो घर पे कैसे रिहर्सल कर रही है। देखिए उनके घर पे दो बेटियां थी, एक बेटी का नाम है चंपा और एक बेटी का नाम है पुष्पा। तो अब रिहर्सल कैसे कर रही है, देखिए पति का नाम आ जाता है इसलिए रिहर्सल कैसे कर, कीर्तन लाए बिगाड़ दिया, वो कैसे रिहर्सल कर रही है। देखिए अरे काली अमर दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब सजन, काली अमर दन कंस निकंदन पुष्पा के पापा तब सजन। क्यों समझ में आई, कीर्तन भी हो गया और लय भी नहीं बिगड़ा, सुर भी नहीं बिगड़ा, हुआ कि नहीं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का पति का नाम आ जाता है, इसलिए भगवान का नाम नहीं लेती है, कोई कोई लेती है कोई नहीं लेती है। इसलिए दूसरे दिन क्या हुआ, वही माता जी सज धज करके बिल्कुल सामने आकर के बैठी, आप पंडित जी कीर्तन करा रहे हैं, काली अमर दन कंस निकंदन तब सजन, काली अमर दन कंस निकंदन देव की नंदन तब सजन। और अब माता जी क्या गा रही है, काली अमर दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब सजन, काली अमर दन कंस निकंदन पुष्पा के पापा तब सजन। ये कहने का मेरा मतलब ये है, भागवत ने कहा है सांकेतम बाई हसन हिरतो, तो सांकेत में भी हो और कैसे भी हो भगवान का नाम हो रहा है। इसलिए आप लोगों के पति के नाम भी, किसी का नाम गोविंद है, किसी का नाम राधारमण है, किसी का नाम कन्हैया है, इसलिए नहीं ले सकते, तो इस प्रकार ले सकते सांकेत में, परिहस्य हेला में, कैसे भी लो भगवान का नाम, छोटे से छोटा पाप बड़े से बड़ा पाप कल्याण करता है, क्योंकि नाम का स्वभाव ही यही है सत पवित्र करना। जैसे आग में आप कुछ भी डाल दीजिए भस्म कर देता है जला जला,
उसी प्रकार ये नाम का प्रभाव है, कोई भी छोटा से छोटा पाप बड़े से बड़ा पाप इसी में सब कल्याण होता है। इसलिए अरे सावनी सूरत ने मोहन दिल दीवाना हो गया। ये देखो कैमरा देख करके मुझे एक बात याद आ रही, अब जहां पे भी कैमरा जाते हैं शादी में इधर उधर, वो कैमरा वाला क्या कहता है कि मेरी ओर देखो, किधर हिम्मत देखो, मेरी ओर देखो। मैंने एक शादी में देखा, वो शादी में माला बदल होता है कि नहीं, जय माला, और शादी में वर को बोला कि तुम मेरी ओर देखो, फोटो अच्छी आई है, नहीं तो तुम्हारा फोटो बेकार है, मेरी ओर देखो। तो वर जो है कैमरा वाले की ओर देख रहा है, और कैमरा वाला की ओर देखते देखते क्या किया, उनके सास के गले में मारा डाला, जय जय। और सास के गले में जैसे ही मारा डाला तो ससुर बोला चलो शस्त्र में लिपट गए। तो श्री राधे, तो इसी प्रकार कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल में जो है वो फिल्मी ट्यून डालते हैं कि नहीं, जब भी फोन आता है फिल्मी ट्यून बजता है। इस प्रकार एक बार क्या हुआ, वो जनाजा लेकर के जा रहे हैं, चार आदमी, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य मनोगत्य है, सब कोई बात ही झूठा है, ऐसे बोल करके जनाजा जा रहे थे। उसी समय मोबाइल ट्यून बज गया, क्या बोले अकेले क्यों जाते हो, हमें भी साथ ले चलो, अकेले क्यों जाते हो, ये फिल्मी ट्यून बाजू बाजू। फिर थोड़ी देर जा रहे हैं, जाते जाते राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य बलगत्य है, सब कोई बात झूठा है। तो फिर फिल्मी ट्यून बाजू बाजू, सबके जेब में आजकल मोबाइल रहता है, फिर फिल्मी ट्यून बाजू बाजू, क्या बोले अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं। अब क्या बताए तुमको, अरे फिल्मी ट्यून क्यों डालते हो, भगवान का भजन डालो, कितने सुंदर सुंदर भजन है, ऐसे ऐसे फिल्मी ट्यून डालते हैं। तो इस प्रकार अब जब शमशान भूमि जाते हैं तो उसमें तीन प्रकार के वैराग्य होता है, वो क्या, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। अब मरकट वैराग्य देखिए, शमशान वैराग्य कैसा है, तो शमशान में खड़े खड़े देखता है, अरे देखो 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 कितना अच्छा आदमी था, परसों ही तो हमारे वृंदावन में सब संतों को कंबल बांटा था, कितना अच्छा आदमी था, चला गया है। और फिर धाव धाव करके जब जलता है उस समय देख के बोलता है, बैरक आता है, देखो 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 कैसे जल रहा है, इस प्रकार हमको भी एक जलना है। तो उस समय बैरक आता है, मैं भी कल से भजन करूंगा। इस प्रकार कहते कहते जब घर गए, घर में जाके डोंगी लगना पड़ता है, और वो महीना था जनवरी का, तो जब पानी में डुबकी लगाना पड़ा, बोले अभी मरना था इनको, है गर्मी में मरते कम से कम, ये शमशान वैराग्य है, शमशान में आता है और फिर चला जाता है, और फिर मरकट वैराग्य, जैसे रिटायर के बाद कोई बूढ़ा आदमी घर पे बहू को कहती है, बहू को कहता है कि एक कप चाय, और बहुत क्या किया, गलती से चाय में शक्कर कम डाल दिया, अरे जल्दी मैं अभी रिटर्न हो गया, इसलिए तुम चाय में चीनी भी कम डालते हो, मैं चला जाऊंगा वृंदावन, चला जाऊंगा। अब वृंदावन के लिए सब सुनके सामान पैक कर लिया और स्टेशन में गया, बड़ो स्टेशन में, और स्टेशन में जाकर के शाम तक बैठे रहे, और शाम के बाद फिर घर आ गया। बोले क्यों आप तो बीता में जा रहे थे, बोले वो मुन्ना की याद आ गई, इसलिए आ गया। ये मरकट वैराग्य, और सच्चा वैराग्य कैसा है, बोले सच्चा वैराग्य वो है, सच्चा वैराग्य वो है जो
मन से पिया उता। तो ये सुरदार तीन बजरंग रहता है, तो इसलिए यहाँ से जो लोग जाएंगे कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे, सब यही धरा रह जाएगा। कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। यहाँ जो मेरा मेरा तेरा मेरा कर रहे हैं हम लोग, एक दिन सब छोड़ के जाना है, इसलिए भगवान के नाम में क्या करना है। आज भगवान से प्रीत कौन कौन करते हैं, प्रीत कौन कौन करते हैं? अच्छा कुछ लोग हाथ उठा नहीं गए अभी भी डर से। अरे भाई यहाँ प्रीत करते हैं तो अभी तो आए हो, चाहे पांच बजे हो चाहे आठ बजे हो, आ तो रहे हो, प्रीत करते हो इसलिए आए। तो आइए सभी लोग भगवान के नाम पे झूमेंगे। कैसे? कि सांवरे मोहन मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवरे सूरत मोहन दिल दीवाना हुआ। बहुत कम लोगों का हुआ। एक बार सभी लोग खड़े हो जाए और खड़े हो जाए दिल दीवाना कैसे होता है वो देखा जाए। सभी लोग खड़े हो जाए। आइए बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। जय अरे सागरे रसिया ते हो गई मेरी
दीवाना हुआ नहीं है। अरे भाई पीछे कैसे खड़े हैं, एक बार आ गए हैं ना तो दूसरा पुण्य का भागी बने, कम से कम नहीं ना दीवा तो हाथ उठा कर एक बार इधर कर एक बार उधर, ठीक है।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
सब झुक के प्रणाम करेंगे शिव शिव।